गाइज यार बहुत दबा के भूख लगी है, पहले तो पेट की आत्मा को थोड़ी शांति दे दी जाए, उसके बाद हम आज आगे का काम करेंगे। अबे यार ये क्या रखा हुआ है टेबल पे? गाइज यार ये तो एक लेटर जैसा लग रहा है, लेकिन लिखा किसने? शिनचैन। अबे यार क्या बात है, लौंडा पढ़ने लिखने लग गया। लिखा क्या जरा देखे तो सही। डियर कलूटे फ्रैंकलिन भैया, अबे कम से कम लेटर में तो छोड़ दिया होता। मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहता, मैं बहुत ज्यादा ऊब गया हूँ, मुझे दुनिया में कोई प्यार नहीं करता। जब तक आप ये लेटर पढ़ोगे मैं इस घर से जा चुका होऊंगा। आपका प्यारा और दुनिया का सबसे हैंडसम बच्चा शिनचैन। वाह क्या बात है, खुद की तारीफ की और मेरी बुराई, पर ये क्या मजाक है गाइस? वाह बेटे वाह, पक्का गाइस ये लोग मेरे साथ कोई ना कोई प्रैंक कर रहे हैं। पर इस बार गाइस हम झांसे में नहीं आने वाले। मैं एक काम करता हूँ, चौप को जाके पूछता हूँ, उससे तो मैं कैसे भी करके उगलवा ही लूंगा। फिर अपन शिनचैन को ढूंढते, फिर इनका प्लान नाकामयाब करेंगे गाइस। पर भाई चौप है का? चौप भी दिखाई नहीं दे रहा गाइस। यार सच्ची में तो शिनचैन चलाने गया ना घर छोड़ के। गाइस बाहर जाके देखते, अभी तक तो ज्यादा दूर भी नहीं निकला होगा मुझे लगता है। फटाफट से जाके ढूंढते, सच में ना चला जाइए लौंडा। गाइस यार ये रहे दोनों जन। अबे ये क्या नाटक लगा के रखा है तुम दोनों ने सुबह सुबह? फ्रैंकलिन भी ये कोई नाटक वाटक नहीं, हम लोग सच्ची में घर छोड़ के जा रहे हैं। अबे पर हुआ क्या बताओगे भी? फ्रैंकलिन भैया मैं आपके साथ इतने दिनों से घर पे रह रहा हूँ, पर मुझे कोई लाइक ही नहीं करता है। और चौप तेरे को क्या हो गया अभी? फ्रैंकलिन भैया मैं तो इतने दिनों से आपके घर पे रह रहा हूँ, बल्कि मैं तो शिनचैन से पहले से रह रहा हूँ, पर मुझे देख के कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता है। बस इतनी सी बात? अबे यार सब लोग तुम्हारे दोस्त ही है, कभी मांग के देखा है? फ्रैंकलिन भैया अभी हमें आप उल्लू मत बनाओ। गाइज यार क्या कर रहे हो आप लोग? अभी तो आपके पास दो छोटी छोटी वजह है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल आइकन भी दबा देना। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से ये दोनों घर छोड़ के जाने से बच सकते हैं गाइज। अरे फ्रैंकलिन भैया पर हमने तो कोई घंटी की बात की ही नहीं थी। हाँ नहीं की, पर यार तुम लोग ही मांगोगे क्या सब? मैं नहीं मांगू। फ्रैंकलिन भैया अभी आपकी चापलूसी हमारे सामने नहीं चलेगी, हम दोनों तो घर छोड़ के जाने ही वाले हैं। गाइज यार ये दोनों तो जिद पे अड़ गए, करे तो करे क्या? एक प्लान है मेरे पास। शिनचैन एक काम कर, चल अवेंजर से मिलके आते हैं। अब इसमें अवेंजर क्या ही कर लेंगे? अबे यार करेंगे तो कुछ नहीं, पर लास्ट टाइम उनको अलविदा बोल के नहीं जाएगा तू? हाँ शिनचैन चल यार उनको अलविदा बोल के जाते है, वैसे भी मुझे स्कारलेट को देखना है, बड़ी हॉट लगती है। चौप तू बोलता है तो मैं चला जाता हूँ, पर ये आखिरी बार होगा। हाँ हाँ आखिरी बार होगा, पर चल तो लो अभी। शिनचैन यार कम से कम ये बैग तो उतार ले। नहीं नहीं फ्रैंकलिन भैया ये बैग तो मेरे पास ही रहेगा, मैं वहाँ से वापस नहीं आने वाला हूँ। अबे चौप यार ये गाड़ी के ऊपर से क्यों चढ़ के जा रहा है, अंदर आना चुपचाप। अब मैं आपके घर के साथ साथ आपकी गाड़ी के अंदर भी नहीं आऊंगा कभी। हाँ ठीक है तो मर ऊपर, अगर गिर गया तो फिर मुझे मत बोलना। तो गाइस यार मैं इन दोनों को लेके जा रहा हूँ अवेंजर के पास, क्योंकि अभी टोनी ही एक ऐसा बंदा है जो इन दोनों को समझा सकता है। शिनचैन टोनी की ही सबसे ज्यादा बात मानता है। अबे फ्रैंकलिन आराम से चलाना, मारेगा क्या? तो मैं तो पहले ही बोल रहा था नीचे आके बैठ जा, पर नहीं तुम दोनों उदास आत्माओं को तो आज मेरी बात माननी नहीं है। बात नहीं मान रहे तो क्या गाड़ी के ऊपर से मुझे सीधा ऊपर ही पहुंचा देगा? गाइस यार पता नहीं आज क्या हो रहा है, बस शुक्र मनाओ कि ये दोनों टोनी की बात मान जाए। अगर नहीं माने ना तो इन दोनों को घर के अंदर लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों अभी तक नादान है और इन दोनों को मैं ऐसे तो छोड़ नहीं सकता। गाइस फ्रैंकलिन भैया ये आप किससे खुशपुशी आ रहे हो, सही बताओ, मुझे मन में गाली दे रहे हो ना? शिनचैन ये क्या सोच के बैठा यार आज तू? तेरे को गाली नहीं दे रहा यार, मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था, बोल रहा था शिनचैन को लाइक कर दो। फ्रैंकलिन भैया रहने दो, मैं इतना भी पागल नहीं हूँ। अबे यार इसमें पागल वाली कौन सी बात है, तेरे आग के सामने भी तो बोला था ना मैंने, तेरे नखरे पूरे हो गए हो तो अभी चलेगा, पहुंच गए अपन। फ्रैंकलिन भैया आप मुझसे ऐसे बात मत करो, अभी मैं आपके घर पे नहीं रहता हूँ। अबे यार शिनचैन ये क्या बात हो गई यार, तेरा बड़ा भाई इतना भी नहीं बोल सकता क्या? मैं नहीं नहीं बोल सकती हूँ, मुझे अभी किसी अवेंजर से नहीं मिलना, मैं जा रहा हूँ। अरे ठीक है ना यार शिनचैन, माफ कर देना, अभी चलेगा यार। गाइस यार चलो फाइनली शिनचैन आने के लिए मान गया है। अबे ये क्या, अबे 1 2 3 4 5 6 7 8 अवेंजर वो भी एक ही लाइन में, भंडारा भंडारा बट रहा है क्या भाई? फ्रैंकलिन काला हल्क ग्रीन, फ्रैंकलिन काला हल्क ग्रीन। हाँ पूरी दुनिया को पता है, बता क्यों रहा है तू? फ्रैंकलिन काला हल्क ग्रीन। अबे यार ये मोटी बुद्धि में मेरी कोई बात घुस भी रही है कि नहीं? फ्रैंकलिन क्या हो गया, यहाँ पर क्यों आना हुआ तुम्हारा? पक्का कोई ना कोई भीख मांगने आया होगा, हमेशा वही तो करने आता है ये। अबे काली वीडियो सही में एक दिन चमार ट्रक दूंगा, चुपचाप बैठ। हल्क मरेगा, हल्क मरेगा। अरे मजाक कर रहा था हल्क यार, ऐसे भी क्या कर रहा है तू? फ्रैंकलिन यार बताओ क्या हो गया? अरे यार टोनी क्या बताओ, ये शिनचैन सुबह से मुंह चढ़ा के बैठा, बोलता है घर छोड़ के चला जाऊंगा। अरे यार मेरी भी तो कोई बात करो, मैं भी तो घर छोड़ के जा रहा था। हाँ मतलब चौप और शिनचैन दोनों जन घर छोड़ के जाने की बात कर रहे, ऐसा भी क्या हो गया शिनचैन? टोनी भैया मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे प्यार करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए मैं इसका घर छोड़ के जा रहा हूँ। अबे यार शिनचैन कैसी बात कर रहा है यार, हम सब लोग तुझसे प्यार करते, बहुत ज्यादा प्यार करते। यहाँ शिनचैन ना हम लोग तुझसे प्यार करते, तू टेंशन मत ले। वैसे स्कारलेट ये चौप तुझसे कुछ कहना चाहता था। हाँ बोलो ना चौप। अरे वो मैं आपको हॉट मैं आपको। अरे इतना हकला क्यों रहे हो, बोलो ना सीधा सीधा। क्या हुआ चौप, पुंगी बज गई क्या इसके सामने आके? अरे यार क्या फ्रैंकलिन, जा मैं तुझसे कभी भी बात नहीं करूंगा। अबे ये क्या यार, भला सोच रहा था मैं तो तेरा।
जो बोलो ना क्या हो गया। अरे वो दरअसल है ना, आप वो तो हॉट हो, हॉट हॉट। क्या हॉट क्या? आज का दिन बड़ा हॉट है ना। हाँ हाँ वो तो है। मेरा नाम तिलिंदल मैन है और मैं आते तीती ना तीती तो लेते जाऊंगा। अरे वो सब तो ठीक है कालीकोट वाले अंकल, पहले मुँह से सुपारी तो थूक लो। मैंने तो सुपारी नहीं खाई है, मेरी दबानी आती है। अरे फ्रैंकलिन भैया, ये तोतला सा ऑक्टोपस जैसा आदमी कौन है? शिनशिन यार, मैंने भी इसको पहली बार ही देखा, ये है कौन? अरे क्या तो है, तब तक बता लो, मैं तिलिंदल मैन हूँ। तिलिंदल मैन? सिलिंडर मैन? अच्छा शिनशिन यार, ये गैस वाला होएगा। मुझे लगता है ये एवेंजर ने बाटला मंगाया होएगा। आयरन मैन तुमने मंगाया क्या इसको? अरे नहीं यार फ्रैंकलिन, हमारा तो गैस अभी भी चालू है। अरे वो वाला तिलिंदल मैन ने, मैं भूत वाला तिलिंदल मैन। यहाँ पर क्या चल रहा है और सिलिंडर मैन तुम इतना टाइम क्यों ले रहे हो? अले ताइलैंड है तुम आधे, ऐसा हुआ तुम आधे, इन तो बताओ ना यार, मैं तो अनु मेली तो बात ही नहीं मानते ये लोग। वो सब तो ठीक है, पहले मुंह से सुपारी तो थूक लो। अले आता तुम भी ऐसी बात करो, तुम तो पता है ना मैं तुपाली नहीं खाता। अरे सॉरी सॉरी, वो मैं हाइट में बड़ा होता हूँ तो मुझे कुछ बराबर सुनाई नहीं देता है, एक मिनट में थोड़ी हाइट छोटी कर लूँ। अबे साइरन है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इतनी मार खाने के बाद अक्कल नहीं आई क्या? क्या बात कर लो, ताइलैंड है, तुमने इतने माल भी खाई है? नहीं नहीं, मैंने कहा मार खाई है, वो तो मुझे काम आ गया था इसलिए जाना पड़ा। अरे साइरन है, एक बात बताओ, तुम तो अपने कान का कचरा बड़ी आसानी से साफ कर लेते होंगे। ये तुम कैसी बात कर रहे हो बच्चे? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे कान का छींक इतना बड़ा है ना, तो मुझे लगा आसानी से साफ हो जाता होगा। शिनशिन तू इन लोग के ज्यादा मुंह मत लगा, ये लोग बहुत बुरे आदमी लोग है। बुरे तो हम है ही है, पर इस बार तुझे उठाने वाले है शिनशिन को, नहीं इस बार तेरे पास कोई पावर नहीं है, तू नहीं बच पाएगा। अरे ऐसे कैसे उठा लोगे आप फ्रैंकलिन भैया को, मैं भी देखता हूँ। ऐते तैते उठा लेता मतलब ऐते उठा लेंगे ये हम लोग तले। अरे गाइस ये क्या हो गया, ये तो सच्ची में फ्रैंकलिन भैया को लेके चले गए। शिनशिन यार ये सब अपनी वजह से हुआ, अगर अपन सुबह मुंह नहीं चढ़ाते तो आज ये नहीं होता। अच्छा हुआ चला गया कालिया, वैसे भी बहुत ज्यादा मनुष्य था। अरे यार शिनशिन तुम टेंशन मत लो, हम लोग कैसे भी करके फ्रैंकलिन को बचा लेंगे। अरे नहीं नहीं टोनी भैया, ये गलती मेरे वजह से हुई है तो मैं ही सुधारूंगा। अरे यार पर शिनशिन ये सब तुम कैसे करोगे? टोनी भैया वो सब तो मुझे नहीं पता, पर मैं ही करूंगा। तो तुम एक काम करो, मेरा सूट पड़ा होगा नीचे जाके ले लो, वो तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। लव यू टोनी भैया, मुझे पता था आखिर में आप ही मेरे काम आओगे। गाइस यार पता नहीं वो लोग फ्रैंकलिन भैया को कहां पर लेके गए होंगे और उनके साथ क्या क्या करेंगे, अपने को कैसे भी करके उन्हें बचाना होगा। आप लोगों को तो पता है ना मैं कितना बहादुर बच्चा हूँ। अरे वाह गाइस क्या बात है, ये तो एकदम नया वाला आयरन सूट लगता है, आज तो मजा ही आ जाएगा। इसके लिए तो एक लाइक बनता है तो जल्दी से कर दो, तब तक कि मैं ये सूट पहन लेता हूँ। अरे वाह क्या बात है गाइस, मैं तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रहा हूँ, कितने दिनों बाद सुपर हीरो बन रहा हूँ, मुझे तो मजा ही आ गया है। आखिर में फ्रैंकलिन भैया के किडनैप होने का कुछ तो फायदा हुआ मुझे। फिर गाइस हमें जाके फ्रैंकलिन भैया को बचाना पड़ेगा, तो जल्दी से जाते हैं, पहले तो एवेंजर को जाके बाय बाय बोल दूं मैं। अरे वाह यार शिनशिन तुम तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। वाह यार शिनशिन तू तो बहुत ज्यादा सूट कर रहा है यार इस सूट में। अरे अरे टोनी भैया मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, नहीं तो मैं फ्रैंकलिन भैया को बचाने ही नहीं जा पाऊंगा। अरे हाँ हाँ यार ये भी तो जरूरी है, तू जा यहाँ से जल्दी से जल्दी। ठीक है टोनी भैया, मैं आपसे बाद में आके मिलता हूँ। क्या क्या बोल रहा था तू, मिल तो वापस हाँ डेथ वाला ऑक्टोपस ले अभी माल था, ये ताप तुप। सिलेंडर मैन इसको इतना मारो कि अगली बार ये मेरे सामने आने की हिम्मत ना करे। तुम टेंशन मत लो ताइलैंड, इतो तो आज मैं माल मालते आलू बुल्दी बना दूंगा। पता नहीं ये तोतला कभी कभी क्या बोलता है, समझ ही नहीं आता। अबे यार रुक जा सिलेंडर मैन, क्या कर रहा है बे, निहत्ते आदमी को मारते हुए शर्म नहीं आती? अगली बार मेरे पास पावर आंदे फिर बताता हूँ तुम दोनों को। तभी थी बात तभी तमदा ना अभी तुप तप माल था। तो गाइस यार हम फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और फ्रैंकलिन भैया को ढूंढने जाते हैं। पता नहीं कहाँ पर होंगे, अभी तो उनके पास कोई पावर भी नहीं है कि वो खुद को बचा भी सके, पर हमें कैसे भी करके उनको ढूंढना होगा, नहीं तो गाइस मैं चौक को क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरी तो बदनामी ही हो जाएगी। अरे गाइस यहाँ पर ये क्या चल रहा है, ये तो पुलिस वाले है, पर ये किसका पीछा कर रहे है? मुझे लगता है गाइस कोई चोर है, चलो अपन भी पीछा करते हैं और पुलिस वालों की थोड़ी मदद करते हैं। कहाँ तक भागेगा, एक बार पुलिस से तो भाग लेगा पर मुझसे नहीं भाग पाएगा। गाइस मुझे लगता है ये ज्यादा आगे निकल गया, फटाफट से चलते यहाँ से। ओह गाइस यार ये अब मेरे सामने आ गया, अब ये नहीं बचेगा। पुलिस वाले तुम लोग टेंशन मत लो, मैं आ गया हूँ, अब एक ही बार में इस गाड़ी को उड़ा दूंगा। गाइस यार कितना ज्यादा मजा आया मुझे इस गाड़ी को उड़ा के, एक ही बार में मैंने इसको निपटा दिया, मुझे तो पता भी नहीं था मेरे पास इतनी ज्यादा पावर होगी। अब फटाफट से चलते गाइस इससे पहले कि वो फ्रैंकलिन भैया को लुढ़का दे, पता नहीं कहाँ पर होंगे, उनको ढूंढने में भी मुझे टाइम जाएगा ना। गाइस यार ये क्या, मुझे पीछे से थोड़ी थोड़ी आवाजें आ रही थी गोलीबारी की, जाके चेक करते हैं जरा, पता नहीं कौन लोग होंगे, ये बीच बीच में इतने गुंडे कहाँ से आ जाते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। लॉस सैंटोस है या गुंडों का घर है, यही कैसे आ रही थी ना गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं नीचे जाके देखते हैं गाइस, कहीं इनको साइरन हेड ने तो नहीं भेजा है ना, अगर भेजा है ना तो इनको तो इतनी बुरी तरीके से मैं मजा चकाने वाला हूँ ना, इनको कोई आइडिया भी नहीं होगा। पर कहाँ पर चले गए, अभी तो यही से आवाजें आ रही थी, सब भाग तो नहीं गए ना।
अपने डर से। गाइस यार यही कहीं होने चाहिए, एक काम करता हूँ जाता हूँ यहाँ से। अरे नहीं नहीं गाइस ये आ गए हैं यहाँ पर, अभी इनको मजा चकाऊंगा। ये ले, ये भी ले, तू भी ले। गाइस अब ये मेरे हाथ से नहीं बचने वाले, मैं अपनी सारी पावर का इस्तेमाल कर दूंगा इन पे। नहीं नहीं मुझे थोड़ी पावर तो बचानी पड़ेगी ना, सैरन हेड को भी तो हराना है। गाइस यार एक काम करता हूँ, इनको तो छुरी चाकू से मारता हूँ मैं, दुधारी तलवार यार तुम मुझसे नहीं बच पाएगा। गाइस यार ये लोग तो मारने को तैयार ही नहीं, मुझसे डरो, मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी मिसाइल है। आपको पता नहीं है क्या मैं आयरन मैन हूँ, मुझे मजबूर मत करो तुमको मारने के लिए। गाइस यार मैं मजबूर क्या करूंगा, मैं तो ऑलरेडी मार ही रहा हूँ ना इनको। गाइस इनको तो मुझे लगता है ना दिन में दिवाली का मजा चखाना पड़ेगा, थोड़े थोड़े बम ब्लास्ट करता हूँ तब इनको समझ में आएगा। अरे ये पीछे से कौन मार रहा है कब से, पहले तो आगे वाले को मजा चखाता हूँ फिर पीछे वालों को जाके मजा चखाऊंगा। चुपके चुपके मारता है, शर्म नहीं आती। इस पे भी लेजर छोड़ता हूँ गाइस, एक ही बार में निपट जाएगा। समझ ही नहीं आता क्या इनको मैं कितना ताकतवर हो चुका हूँ। मुझे लगता है एक और नमूना बताना पड़ेगा, यहाँ कोई तो छुप छुप के मार रहा है। ये देखो गाइस इतना डर डर के छुप छुप के मारने की क्या जरूरत है, आखिर में जब इसको पता है कि ये मुझसे मारा ही जाएगा तो चुपचाप भाग ही जाता ना। गाइस मुझे लगता है ना कि अभी सारे के सारे निपट चुके हैं, एक बार और नजर घुमा के देख लेते हैं। हाँ गाइस मुझे लगता है अब कंफर्म सारे के सारे मर चुके हैं, तो यहाँ से निकलते हैं। पता नहीं गाइस यार सायरन हेड का बॉस कौन होगा, एक बार वो अपने बॉस की बात कर रहा था, एक बार उसका बॉस बस मेरे हाथ में आ जाए ना तो पहले तो मैं उसको मारूंगा फिर सायरन हेड को उसके सामने मारूंगा। गाइस यार इन लोग ने तो मार मार के चारों बाजू से सुझा दिया है, पता नहीं ये अवेंजर और शिनचैन आएंगे भी कि नहीं मुझे बचाने के लिए। क्या हुआ तेंतीन, ताली की ताली हेतली निकल गई ना तुम्हारी, तो ही तुम्हें बताने नहीं आने वाला, तब लोग मुझसे डर गए। नहीं नहीं सिलेंडर मैन, वो सारे के सारे मुझसे डर गए है। अले नहीं नहीं मुझसे डर गए, मैं तुमसे पहले उनको धमकाते आया था। क्या फेंक रहे हो, जब मैं आया वो तुम पे हंस रहे थे। अले वो तो ऐसे हंस रहे थे, मैंने तो दोत मार दिया होगा। क्या मार दिया होगा, दोत क्या मार दिया होगा। अले दोत दोत जिस पे हंसते ना तब लोग। अच्छा जोक मार दिया होगा, अबे बोलने तो तुझे बराबर आता नहीं, तू क्या लोगों को डराएगा। अरे गाइस मुझे सैरन हेड दिख चुका है, पर पता नहीं इसने अपने फ्रैंकलिन भैया के साथ क्या किया होगा। अभी नीचे जाके इन दोनों को मैं मजा चकाता हूँ। ओ शिनचैन आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। अले टिनटैन तू थाएगा क्या तू। अरे ये क्या बोल रहे है, ये पूछ रहा है कुछ खाओगे क्या। अच्छा ऐसी बात है कि अगर खाने में चोको चिप है तो जरूर खाऊंगा। शिनचैन यार पिकनिक मनाने आया क्या, तू क्या कर रहा है। बेटा चोको चिप तो नहीं है, लात घुसे है, खाएगा क्या। लात घुसे तो अभी तुम दोनों खाने वाले हो, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तू ते हम तो तोले जाते रहे तो हम लोग नहीं तोले, बल मेरे सामने आते दीता तेल तो बताता हूँ। अरे पता नहीं ये तोतला क्या बोलते रहता है, सारे नेट अभी तुम ही समझाओ। ये बोल रहा है कि जो हालत फ्रैंकलिन की हुई है थोड़ी देर में तुम्हारी भी हो जाएगी। ये अपनी बकवास बंद करो और हिम्मत है तो आके मुझसे लड़के दिखाओ। क्या बात है, आज एक बच्चा लड़ेगा और फ्रैंकलिन देखेगा, मजा ही आ जाएगा। सिलेंडर मैन जाके इसे मजा चखाओ। हाँ आओ ना, मैं तुमसे डरता थोड़ी ना हूँ, मैं तो अभी से मजा चखा दूंगा। अरे फ्रैंकलिन भैया ये क्या हो गया, मेरी पावर्स इतने अच्छे से काम नहीं कर रही है। शिनचैन ऐसा नहीं हो सकता यार, तूने आयरन मैन का सूट पहना हुआ है। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, कब से ट्राई कर रहा हूँ पर कोई पावर काम ही नहीं कर रही है। तुम्हारी पावर काम नहीं करेगी, मैंने तुम्हारे सूट की सारी पावर खींच ली है, जब तक ये चार्ज होगा तुम मारे जाओगे। मुझे तुम्हें हराने के लिए पावर की जरूरत भी नहीं है, मैं तो तुम्हें ऐसे ही मार दूंगा। ये ले, ये भी ले। शिनचैन हार मत मानना, तू इसे मार सकता है। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं तो इसे मार ही सकता हूँ, पर अगर पावर होती तो और जल्दी मार देता था, पता नहीं मेरे सूट को क्या हो गया है, गलत टाइम ही होता है जो भी होता है। शिनचैन तू अपना सूट अपग्रेड भी कर सकता है भाई, तेरी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। अरे क्या बात कर रहे हो फ्रैंकलिन भैया, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अब पता चल गया ना तो फटाफट से सूट अपग्रेड कर और दिखा दे इनको तू क्या चीज है। फ्रैंकलिन भैया अब अभी टेंशन मत लो, अभी मैं सूट अपग्रेड करता हूँ, इनको दिखाता हूँ मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त। गाइस फटाफट से इस वीडियो को दबादब लाइक कर दो ताकि मेरा सूट चार्ज हो जाए और मैं अपग्रेड हो पाऊँ। अरे वाह गाइस क्या बात है, ये सूट तो अपग्रेड हो गया और भी भारी भारी और पावरफुल हो चुका है। ये तुमने कैसे किया। अरे ये मत पूछो ये मैंने कैसे किया, ये पूछो कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। क्या क्या होने वाला है तुम मुझे तो बता। इसके बाद अभी तुम दोनों की धुलाई होने वाली है। सिलेंडर मैन ये सूट मुझे भी चाहिए, मुझे ला के दो। एक काम करो ना, मुझे हराने के बाद ये सूट ले लेना, अभी तुम दोनों मार खाने वाले हो। अरे सायरन हेड ये सूट तुम लेके क्या करोगे, ये तुम्हें फिट भी नहीं आएगा, तुम्हारी हाइट बहुत ज्यादा लंबी है। मैं इस सूट को जला के राख कर दूंगा। उसके पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा क्योंकि अब मेरा सूट चार्ज हो चुका है और अब तुम दोनों को मार खाने से कोई नहीं बचा पाएगा। ये तुम गए सिलेंडर मैन और ये सायरन हेड तुम भी लो। कब से बकबक किए जा रहे थे, तुमने मेरे फ्रैंकलिन भैया को किडनैप किया ना, आज तुम मेरे हाथ से नहीं बच पाओगे। ये सिलेंडर मैन कहाँ चला गया, आज तो गाइस मैं इन दोनों को मार के ही दम लूंगा। अभी तो यही पे था, मुझे लगता है कहीं डूब डूब के मर तो नहीं गया ना। नहीं नहीं गाइस ये रहा, अब ये गया। एक काम करता हूँ इस पर लेजर छोड़ के देखता हूँ। अरे गाइस ये क्या, ये तो अंदर ही चला गया है। एक काम करता हूँ लेजर चारों बाजू छोड़ देता हूँ, कहीं ना कहीं से तो इसे लग ही जाएगी ना। एक काम करता हूँ गाइस अभी मैं जाके सायरन हेड को मजा चखाता हूँ, जब इसको मार दूंगा तो अगली बार कोई मुसीबत ही नहीं होगी, बस ये भागना नहीं चाहिए, हमेशा की तरह भाग जाता है। क्या हुआ सायरन हेड, मिर्गी के दौरे आ रहे हैं क्या।
कब से परेशान कर रहे थे ना, अभी क्या हुआ तुम्हारी पावर्स का? गाइस ये क्या, ये दोनों के दोनों तो भाग गए हमेशा की तरह, एक नंबर के कायर है। गाइस फटाफट से जाके फ्रैंकलिन भैया को खोल लेते हैं। फ्रैंकलिन भैया आप ठीक तो हो ना? शिनचैन यार अभी तक तो नहीं था, पर मैं अभी ठीक हूँ। मुझे तो लगा था यार कोई आएगा ही नहीं मुझे बचाने के लिए। फ्रैंकलिन भैया शिनचैन के रहते हुए आपको कुछ हो सकता है क्या? क्या बात है शिनचैन, अभी बहुत मीठा मीठा बोल रहे हैं, सुबह तो भाई आग उगल रहा था मुँह से। अरे फ्रैंकलिन भैया वो तो मुझे अभी पता चल गया ना, क्या सब लोग मुझसे कितना प्यार करते है, तो जब मैं सुबह समझा रहा था तब समझ नहीं आया तेरे को। फ्रैंकलिन भैया मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। अबे तेरी तारीफ नहीं कर रहा मैं, समझा ना तू। एक मिनट फ्रैंकलिन भैया, पहले ये सूट उतार दो, ये अपने आप आयरन मैन के पास पहुंच जाएगा। अच्छा शिनचैन वैसे उन दोनों का क्या हुआ, मरे के नहीं मरे? अरे फ्रैंकलिन भैया मरी जाते, पर उससे पहले दोनों के दोनों भाग गए। सायरन हेड के साथ आने वाले सब लोग एक जैसे होते क्या, कायर की तरह भाग जाते? अरे ताइलैंड हेड इतने तो हमें बहुत बुरी तरह के थे माला, मैं इतने नहीं चलूंगा अगली बार। हाँ यार बहुत बुरी तरीके से मारा, अगर बॉस को पता चल जाएगा तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। बहुत तो पता ही नहीं चलेगा, बहुत को बताएगा कौन? अबे गधे बहुत चारों बाजू नजर रखते हैं, उन्हें सब पता होता है। हम अगली बार शिनचैन और फ्रैंकलिन दोनों को नहीं छोड़ेंगे। पेनीवाइज तुमने हमें क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें यहाँ पर बदला लेने के लिए बुलाया है। बदला? कैसा बदला? बदला हमारी बेइज्जती और तुम्हारे भाइयों की मौतों का। कौन है वो लोग? उनका नाम फ्रैंकलिन और शिनचैन है, जिन्होंने हमारे नाक में दम करके रखा है। हम उनको छोड़ेंगे नहीं। अत्ता ऐसी बात है क्या, फिर तो आधा लाइन में। क्या मतलब है तुम्हारा? अले मेला मतलब है तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने गए, उन लोग को कोई फलक ही नहीं पड़ता है। तुम हमें जानते नहीं हो। अत्ता वे एक बात बताओ, ये कुत्ता कितने का लिया? ये कुत्ता नहीं है। अले दो भी है, तुम प्लाइज बताओ ना। मैंने इसे खरीदा नहीं है, ये हमारे प्लेनेट का जंगली जानवर है जिसको मैंने कंट्रोल में कर रखा है। तंतुलोल करने के लिए यही जानवर मिला था? इसको तो मैं आधी लात को देख लूँ तो मेरे को तो नींद भी नहीं आई थी। अबे बेवकूफ अपना मुँह बंद रख, इनको मैंने यहाँ टाइम पास के लिए नहीं बुलाया है। ऐसे लोगों को भर के रखोगे तो हारोगे ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब कि तुम बेवकूफ हो। अत्ता बेटा अब वो तो तुम जब फ्रैंकलिन से ललोगे ना तभी तुमको पता चलेगा। हम उसको हरा लेंगे। सिलेंडर मैन सही बोल रहा है, वो बहुत खतरनाक है। तुम लोग अपनी पूरी ताकत लगा देना उसे हराने में। अरे बच्चो पच कितना सुहाना दिन है। अरे पर उससे हमें क्या मतलब? अरे अब तुमको क्या हो गया? अरे ये फ्रैंकलिन का बच्चा कितने दिन से मुझे बाहर ही घुमाने नहीं लेके जाता। अरे हाँ वो बात तो है, वो तो मुझे भी नहीं लेके जाते। देखो ना आज भी घोड़े बेच के सो रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो, अभी तक सो रहे है? अरे हाँ वो कुंभकर्ण अभी तक सो रहा है, मैंने उसको जगाने की बहुत कोशिश की। अरे गाइस इसके लिए एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। मैं तो परेशान हो गया, इस आदमी से मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे चुप रोना बंद करो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर क्या करूँ शिनचैन, कहीं जाके डूब मरो। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे मैं तो मजाक कर रहा था गाइस, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे शिनचैन तुम कुछ भी कर लो वो नहीं जागेगा। अरे तुम मेरे पीछे पीछे तो आओ। अच्छा ठीक है तुम भी ट्राई कर लो। गाइस ये रहा वो मनुष्य आदमी जिसने सबके नाक में दम करके रखा है। देखो मैंने तुम्हें कहा था ना। अरे फ्रैंकलिन भैया उठो, हमारे घर में चोर घुस आए है। अरे शिनचैन फ्रैंकलिन खुद भी एक चोर है। अरे हाँ ये तो मैं भूल गया था, मैं तो बोलता हूँ इसके मुँह पे पॉटी कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं इसकी तो आदत है उनको। तो फिर पुलिस कंप्लेंट कर दे। अरे नहीं चुप, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अरे हम बोल देंगे ना इसने हमको किडनैप किया है, तो पुलिस इसको डंडे मार मार के उठाएगी। अरे नहीं चुप, अगर पुलिस इनको ले गई तो हमारे घर का काम कौन करेगा? अरे हाँ वो बात भी है, तो फिर क्या करें हम? अरे मेरे पास एक आइडिया है, उठ जा काले आदमी तेरे मुँह पे पद मारू। अरे वाह शिनचैन क्या बात है, ये काला काला थोबड़ा तुरुरु तुरुरु, ये गंदी गंदी बस तुरुरु तुरुरु, सोया है ये जो ऐसा हुआ है बुरा हाल। अरे वाशिंगटन तुम तो कमाल के सिंगर हो। अरे पर क्या फायदा, इससे तो वो जागे ही नहीं। मैं तो बोलता हूँ छोड़ो जाने दो। अरे नहीं नहीं मेरे पास दूसरा आइडिया है। अच्छा और वो क्या है? अरे तुम बस देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। अरे ये तुम किसको फोन कर रहे हो? अरे मैं लिमार भैया को फोन कर रहा हूँ। हेलो शिनचैन। अरे लिमार भैया जल्दी से आ जाओ, एक मुसीबत आ गई है। अरे कैसी मुसीबत? अरे वो आप घर पे तो आओ मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ठीक है रुक मैं आता हूँ। पता नहीं ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई है, जल्दी से जाके देखता हूँ। मुझे तो लगता है शिनचैन ने कोई शरारत की होगी। चल मेरी धन्नो टिक टिक टिक, पता नहीं मेरे पास बाइक लेने के पैसे कब आएंगे। चलो मैं पहुंच गया, फटाफट से अंदर जाके शिनचैन से पूछ लेता हूँ। शिनचैन किधर है तू? अरे लिमर भैया मैं नीचे हूँ, रुक मैं आ रहा हूँ। ये रहा शिनचैन। अरे वक्त की बात है अब तो जल्दी आ गए। अरे हाँ वो मैं बाजू में ही था। अरे यार लिमर नहाया कर, बहुत गंदी बात आ रही है तेरे में से। अरे यार वो दो दिन से पानी नहीं आ रहा घर पे। अरे वो छोड़ो पहले मेरी बात सुनो। हाँ बोलना शिनचैन। अरे मेरे दिमाग में एक प्रैंक चल रहा है। कैसा प्रैंक शिनचैन? अरे हम फ्रैंकलिन भैया को नींद में किसी और जगह छोड़ आते हैं। अरे हाँ शिनचैन बहुत मजा
जाएगा। अरे अगर वो बीच में जाग गया तो? अरे वो अभी तक नहीं जागा, बाद में क्या जागेगा। अच्छा ठीक है, पर वो है कहाँ पर? मेरे पीछे पीछे, ये देखो ये सो रहे है। इसको आराम से रखना पड़ेगा नहीं तो ये जाग जाएगा। अरे इतना मत डरो, मैं तो कहता हूँ छत पे लेके जाके नीचे फेंक देते है। अरे चुप, इनको नींद से उठाना है, जिंदगी से नहीं उठाना। अच्छा ठीक है, चलो फिर इनको बाहर लेके चलते है। शिनचान कितना मस्त फिट आया ना ऊपर ये। अरे हेलिमर भैया मजा ही आ गया। देखो तो सही इस आदमी को, मैं तो बोलता हूँ एक बार चेक कर लो नींद में है कि मर गया है। अरे नहीं नहीं, इनकी सांसें चल रही है। अरे शिनचान गिटार तो घर पे रख दे। अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया था, गई जल्दी से जाके अपना गिटार रख देता हूँ। चले चलो फटाफट से चलते है। ठीक है चलो दोनों जन आ जाओ गाड़ी में। अरे ये गाड़ी अपने कहाँ से लाई? अरे ये तो मैंने अपने पड़ोसी की चोरी की है। मुझे लगा ही था आप और फ्रैंकलिन भैया दोनों एक ही प्रजाति के हो। तेरा मतलब क्या चॉप? मतलब कि दोनों के दोनों चोर। अरे वह गाइस मजा ही आ गया, जब फ्रैंकलिन भैया की आँख खुलेगी तो उनको लगेगा कि वो किसी सपने में है। शिनचान सपने में नहीं, डरावने सपने में। अरे मानना पड़ेगा लेमर की ड्राइविंग तो फ्रैंकलिन भैया से अच्छी है। हाँ वो बात तो है। अरे मुझे जोर से सुसु आई है। अरे ऊपर ही खड़े खड़े कर दो ना। अरे नहीं नहीं मुझे शर्म आती है। अरे लेमर थोड़ा धीरे चलाओ, फ्रैंकलिन नींद में गाड़ी से नीचे ना गिर जाए। अरे इसकी फिक्र मत करो, मैं इनका बराबर से ध्यान रख रहा हूँ। अरे पर शिनचान इसको लेके कहाँ जाना है? अरे अब गाड़ी चलाओ ना, मैं बताता हूँ। इसका मतलब शिनचान तूने सोच के नहीं रखा ना? अरे इसमें सोचना क्या, अरे कोई गंदी सी जगह देख के रुका दो, फिर तो ये जगह ठीक रहेगी। अरे वाह क्या बात है, एकदम परफेक्ट। अरे वाह क्या बात है, यही तो चाहिए था। इनको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे ये जगह इनके लिए ही बनी है। अरे हाँ चौप, इनकी पर्सनालिटी से मैच खाती है। अरे तुम दोनों का दिमाग कितना शैतानी है। अरे वाह क्या बात है, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। अरे पर कचरे की गाड़ी आ गई तो? अरे तो क्या हुआ, उनको तो एक आदमी मिल जाएगा कचरा उठाने के लिए, और फ्रैंकलिन भैया को जॉब मिल जाएगी। तुम दोनों इसे सच्ची में तो यहाँ छोड़ने की बात नहीं कर रहे ना? अरे तो क्या आपको मजाक लगता है, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम दोनों का? अरे आप बोलो तो बाजू वाले कचरे का डब्बा एकदम खाली है। अरे नहीं नहीं, मैं घर से सो के आया था। अरे अगर ये अच्छा नहीं लगा तो आगे बहुत सारी कचरा पेटी आती है। अरे नहीं नहीं शिनचान, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, इतने डरने वाली कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं, मेरी माँ मेरा घर पे इंतजार कर रही है। अरे अरे रुको, भागते कहो हो। अरे चुप, ये तो पतली गली से निकल ली है। अरे उनका मुंह देखने लायक था, क्या फट गई थी उनकी। चलो चुप, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से घर पे जाके कुछ खाते है। अरे हाँ मुझे भी भूख लगी है। अरे एक्शन कमीन भी आने वाला होगा, बस देखते देखते चोको चिप खाऊंगा। अरे शिनचान मैं एक चीज तो भूल ही गया। अरे क्या भूल गए चुप? अरे मुझे फ्रैंकलिन भैया के आसपास पॉटी करनी थी, इससे उन्हें घर जैसा फील होता। अरे टेंशन मत ले चुप, वहाँ आसपास के बहुत सारे कुत्ते करते हैं। अरे तो भी घर की वाइफ तो घर की होती है ना। अरे गाइस आपको क्या लगता है, उस कचरा पेटी की बात से फ्रैंकलिन भैया की नींद खुल जाएगी? अरे शिनचान हम पहुँच गए। अरे हाँ चुप, जल्दी से गाड़ी रोकता हूँ। वाह गाइस आज तो मजा ही आ गया, अब जल्दी से जाता हूँ, बहुत तेज भूख लगी है मुझे तो। अरे शिनचान रुको, मैं भी आ रहा हूँ, मुझे भी भूख लगी है। अरे आ जाओ चुप, जल्दी आ जाओ, पता नहीं आज खाने में क्या क्या होगा। अरे फ्रैंकलिन भैया तो जागे ही नहीं थे, खाना कौन बनाएगा? अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया था। अरे शिनचान तुम पहुँच भी गए। अरे चुप जल्दी से घूम के आओ ना। अब हम क्या खाएंगे? अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो, हम बाहर से ऑर्डर कर देंगे। ऐसी बात है तो मेरे लिए भी कुछ बना दो। अरे तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसके भाइयों को तूने और फ्रैंकलिन ने मिलके मारा था। अरे वो सब तो ठीक है, पर तुम हमारे घर की छत क्यों चाट रहे हो? मैं छत नहीं चाट रहा बेवकूफ कुत्ते, मेरी जीभ बाहर ही रहती है। अरे वाह क्या बात है, सेम टू सेम, पर तुम कहीं से कुत्ते तो नहीं लगते? मैं कुत्ता नहीं, मैं वेनम हूँ। अरे वो सब छोड़ो, कुछ खाओगे क्या? मैं तुम्हें खाऊंगा। अरे मैं एक भूखा बच्चा हूँ, मुझे खाने से तुम्हारा पेट थोड़ी ना भरेगा। मेरा मन भरेगा। अरे तुम पहले डिसाइड कर लो ना, तुम्हारा पेट खाली है कि दिमाग खाली है। बहुत ज्यादा बोल रहे हो, चलो मेरे साथ। अरे ये कहाँ पर चला गया, अगर फ्रैंकलिन भैया को पता चल गया तो मुझे बहुत डांटेंगे, मुझे तो गाड़ी भी चलाने नहीं आती, किससे हेल्प मांगू। ओ भाई साहब यार कितनी गंदी बात आ रही है, अबे मैं तो घर पे सो रहा था, यहाँ पर कैसे पहुँच गया? अबे सपना वपना तो नहीं देख रहा ना? गाइज यार जल्दी से घर पे चलते, बहुत ही गंदी बात आ रही है बॉडी में से। गाइज यार गाड़ी भी नहीं है, मुझे लगता है चोरी करनी पड़ेगी, इसको रुकाते। भाई साहब यार प्लीज रुक जाओ। अरे लौंडे तू है कौन? अबे उतर जा भाई, इंट्रो देने का टाइम नहीं है मेरे पास। चलो यार गाइस गाड़ी तो मिल गई, फटाफट से घर पे जाते हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं यहाँ पर पहुँचा तो पहुँचा कैसे। चलो फाइनली घर पे पहुँच गए, अब फटाफट से उतरता और जाता हूँ घर के अंदर। तो गाइस अपन आ गए घर के अंदर, और फटाफट से जाके चॉप और शिनचान से पूछता हुआ क्या था। गाइस यार घर पे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। शिनचान चॉप कहाँ पर हो तुम लोग? गाइस यार बड़ी अजीब सी बात है, आज घर में काफी शांति है, एक काम करता हूँ नीचे जाके देखता हूँ। तो जल्दी से जाते गाइस चॉप के घर के पास। गाइस यार चॉप तो यही पे है। अरे क्या बात है, फ्रैंकलिन भैया आ गए। अबे ऐसा क्या हो गया जो मेरे को देख के इतना खुश हो गया? अरे मैं आपको क्या बताऊँ, ये तो खुशी के आंसू है। अच्छा चॉप एक बात तो बता, रात को मैं घर पे आया था ना? अरे नहीं आप रात को घर पे नहीं आए थे। अबे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे को जितना याद है मैं घर पे आया था।
आपको क्या लगता है मैं झूठ बोलूंगा? अबे मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला है। तो फिर मुझ पे शक करना बंद करो। वैसे आप रात को कहाँ सो रहे थे? अरे कहीं नहीं, वो मैं अपने दोस्त के घर पे था। अरे झूठ मत बोलो। तुझे कैसे पता मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे वो तो कुछ नहीं, मैं तो ऐसे तुक्का मार रहा था। अबे वो सब तो ठीक है, पर शिनचैन कहाँ पर है? अरे हाँ वो तो आपको बताना ही भूल गया। क्यों, कई बार गया क्या? बाहर तो गया है लेकिन वैनम के साथ। वैनम के साथ क्या बोल रहा है तू? अरे मतलब कि वैनम ने शिनचैन को अगवा कर लिया। अबे क्या बात कर रहा है? हाँ वो बोल रहा था कि आपसे और शिनचैन से बदला लेना है। गाइस यार एक तो ये वैनम वाला सिलसिला कब खत्म होगा? इतने सारे वैनम मारे पता नहीं कहाँ से आ जाते। अरे वो एक लंबी जीभ वाला वैनम था। उसका कलर क्या था? वो व्हाइट कलर का था। तो पक्का एंटी वैनम का भाई होगा। अब इतना तो मुझे पता नहीं। एक बात बता, वो शिनचैन को लेके गया और तू बस देख रहा था, बचा नहीं सकता था? अरे वो वैनम था कोई गली का कुत्ता थोड़ी ना था, कैसे बचाऊं? पता नहीं रे कब तेरा खून खोलेगा। मेरा छोड़ और उसको जाके बचाओ जल्दी से। तूने तो कुछ किया नहीं, मुझे जाना पड़ेगा ना। तो गाइस फटाफट से चलते हैं यहाँ से और जाते हैं अवेंजर के पास, अभी वही अपनी कुछ मदद कर सकते हैं। तो गाइस ये मैं बैठा गाड़ी में और चलते हैं यहाँ से। गाइस यार पता नहीं वो शिनचैन को कहाँ पर लेके गया होगा। एक तो ये सारे वैनम को अपने घर का पता देता कौन है? पक्का ये उन भूतिया पार्टी वालों का ही काम होगा। गाइज आपको क्या लगता है, वैनम भूतिया पार्टी के साथ मिले हुए हैं? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। आज का दिन तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक तो मुझे याद नहीं कि मैं सोया कहाँ पर था और उठा कचरे के डब्बे में, और घर पे आया तो शिनचैन गायब। पता नहीं क्या चल रहा है। गाइज यार बस अवेंजर अपनी मदद कर ले और मैं शिनचैन को जाके बचा लूं। तो गाइज फाइनली अपन पहुंच गए। फटाफट से उतरता हूं गाड़ी से और चलता हूं अंदर। अरे कैसे हो फ्रैंकलिन? मैं तो ठीक हूं पर शिनचैन ठीक नहीं है। शिनचैन ठीक नहीं है, क्या हो गया? हां क्या हो गया उसको? अरे यार क्या ही बताऊं मैं तुमको, उसको किसी ने तो किडनैप कर लिया। क्या बोल रहे हो तुम, किसने किया? चॉप के हिसाब से तो ये काम एंटी वैनम का है। चॉप के हिसाब से मतलब तुम कहाँ पर थे? अरे यार वो तो तुम पूछो ही मत। ये शिनचैन किडनैप थई गयो ने तू बारे रखड़ तो फरे? हाँ फ्रैंकलिन ये एकदम गलत बात है। अबे यार मैं रखड़ रहा नहीं था, और बात मेरी चल रही है कि शिनचैन की चल रही है? हल्क उसको छोड़ेगा नहीं जिसने शिनचैन को किडनैप किया। तो नहीं यार तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी फ्रैंकलिन, ये शिनचैन का मामला है, हम सब मदद करेंगे। चलो यार गाइस फाइनली टोनी तो मान गया। तुम एक काम करो, मैंने वैनम को मारने के लिए एक सूट बनाया हुआ है। क्या बात कर रहे हो, वैनम को मारने के लिए? हाँ दरअसल वो सूट मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, क्योंकि अब काफी वैनम तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं। टोनी यार भाई तू कमाल है, वो तो मैं बचपन से ही हूँ। जरूरत पड़े तो हल्क को बुलाना। हल्क अभी सूट मिल गया ना मेरे को, तो मैं सब संभाल लूंगा। सूट नीचे रखा हुआ है, जल्दी से जाके ले लो। अच्छा ठीक है। तो गाइस जल्दी से चलते हैं नीचे और जाके सूट लेते हैं। पता नहीं गाइस कैसा सूट होगा, जल्दी से जाके देखते हैं। गाइस यार सूट दिख गया, कितना कमाल का लग रहा है। गाइस यार टोनी को मारना पड़ेगा, एकदम अतरंग अतरंग चीजें बनाता है वो। वैसे गाइस मैं आपको बता दूं, इस सूट का नाम है एजेंट वैनम सूट। गाइस तो अपन पहली बार पहनने वाले एजेंट वैनम सूट, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो मैं फटाफट इस सूट को पहन लेता हूं। गाइस यार सूट पहन के तो मजा ही आ गया, एकदम कमाल का सूट है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने स्पाइडरमैन का सूट पहन लिया है। तो गाइस फटाफट से यहाँ से चलते हैं, उससे पहले थोड़े बहुत फंक्शन चेक कर लेते हैं, क्योंकि आयरन मैन ने बनाया तो पक्का कुछ ना कुछ तो होगा ही अंदर। इससे क्या होता है भाई साहब? गाइस यार आप लोगों ने देखा क्या, अबे ये अपने आप कैसे उड़ने लग गए? एक मिनट गाइस, हाँ अभी समझ में आ गया मुझे। गाइस यार आपका भाई कंट्रोल समझ चुका है, अब आप बस देखते जाओ क्या मक्खन की तरह उड़ाता हूं मैं इसको। तो गाइस यार लोकेशन आ चुके हैं, और लोकेशन के हिसाब से वो लोग यही कहीं पे होने चाहिए। ये सामने वाले एरिया पे जाके चेक करते हैं। गाइस यार वो रहा वैनम, शिनचैन कहाँ पर है? गाइस यार शिनचैन लटक रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया कुछ करो, नहीं तो मेरा हाथ फिसल जाएगा। ये देखो मेरा दूसरा शिकार आ गया। अबे छोड़ दे उस बच्चे को, नहीं तो बहुत मारूंगा। मारूंगा तो मैं तुझे, थोड़ी देर में तेरी भी हालत इसके जैसी हो जाएगी। अबे यार तुम लोग की प्रॉब्लम क्या है, तुम सारे वैनम को हम ही दिखते क्या? तुमने हमारे भाइयों को मारा है, हम बदला लेके रहेंगे। तो फिर तेरे को आज मारूंगा तो कल कोई और बदला लेने आएगा। अबे सारों को एक साथ ही बुला लेना, एक साथ मामला निपटा देते। जिस दिन सारे वैनम आ गए पूरी दुनिया के साथ तुम भी खत्म हो जाओगे। फिलहाल तो मुझे जितना पता तुम्हारे बहुत सारे वैनम खत्म हो गए। आज के बाद से तुम किसी वैनम को नहीं मार पाओगे। क्यों, तुम लोग धरती पे आना छोड़ दोगे क्या? नहीं तुम आज जिंदा ही नहीं बचोगे। अरे फ्रैंकलिन भैया एक तो आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, ऊपर से मेरी जान अटकी पड़ी है और आपको ये बातें सूझ रही है। अरे शिनचैन सॉरी, अबे हिम्मत है तो मुझसे आके लड़ना, ये बच्चे को क्या परेशान कर रहा है? तेरी भी बारी आएगी, ये बच्चा और तू दोनों मरोगे। अबे बकवास बंद कर और चुपचाप आ। बहुत बोल रहा है ना तू, तो आज मरेगा। अरे जाओ ना जल्दी से, पहले उनसे लड़ लो फिर मेरे पास आ जाना। ले तेरी इच्छा पूरी करता हूँ, पहले उसको मार देता हूँ। अबे तू क्या मेरे से लड़ेगा, तू तो हाइट में मेरे से आधा है। अबे लड़ने के लिए हाइट नहीं जिगरा चाहिए, समझा ना? तेरा तो आज मैं जिगरा कलेजा सब फाड़ दूंगा। अबे बातें बहुत आती है तेरे को, तुझे पता नहीं अभी मुझे क्या क्या आता है। अबे मुझे जानना भी नहीं है। गाइस यार ये क्या हो गया, इसने तो अचानक से फायरिंग शुरू कर दी, अभी बताता उसको ऊपर जाके। आज तो तू मेरे हाथ से बचेगा नहीं। अबे मुझे कुछ नहीं होने वाला, ये सूट बुलेट प्रूफ है। मेरे पास भी कोई मामूली गन नहीं है, ये एक एलियन गन है।
गाइस यार इसको तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। फ्रैंकलिन भैया कम ऑन आप कर सकते हो, जल्दी करो। शिनचैन यार तू टेंशन मत ले, बस थोड़ी देर और संभाल ले। आज तो कुछ संभालने के लायक नहीं रहेगा। गाइस यार इतनी गोलियां मार रहा हूं, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। मुझे बुलेट प्रूफ होने के लिए कोई सूट की जरूरत नहीं है, मैं तुझसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हूं। गाइस यार मुझे तो लगता है अपनी सारी गोलियां इधर ही खत्म हो जाएगी। अब मर भी जा कितनी वेस्ट करवाएगा। तू ज्यादा देर जिंदा रहने वाला नहीं है। गाइस यार ये ऐसे तो मर नहीं रहा है, मुझे लगता है कुछ और ही आजमाना पड़ेगा। फ्रैंकलिन भैया कोई और चीज इस्तेमाल करो। शिनचैन यार ये मौका दे तो ना, ये तो मारते ही जा रहा है। गाइस यार फटाफट से वेपन चेंज करके इसकी वाट लगाते हैं। एक काम करता है उस पे ग्रेनेड फेंक के देखता हूँ। अबे यार ये तो इधर ही गिर गया। गाइस यार बार बार बचे, पर मुझे लगता है इसको बम लग गया, जल्दी से जाके देखते हैं। अबे यार ये तो वापस से उठ गया। तुझे क्या लगा था तेरा ये तुच्छा सा बम मुझे कुछ कर पाएगा? अबे एक नहीं तो दो तो करेंगे ना। गाइस एक दो और फेंकते फटाफट से। एक ये गया और एक और गया। फ्रैंकलिन भैया संभाल के। अबे यार कौन से मिट्टी का बना है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसको। गाइस मुझे लगता है ये काफी कमजोर हो चुका है, एक काम करते हैं इसको एक हेडशॉट देते हैं। गाइस यार फाइनली मर गया। भाई साहब इसको तो मारने में हालत ही खराब हो गई। अबे यार ये शिनचैन को क्या हो गया? शिनचैन उठ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। शिनचैन तू ठीक तो है ना? अरे मुझे क्या हो सकता है, मेरे 16 का डोला देख के ये डर गया था। अबे ये होशियारी बाद में मारना, थोड़ी देर पहले तो रो रहा था। फ्रैंकलिन भैया। अरे वो तो मेरी एक्टिंग थी, कैसी लगी? रहने दिया मेरे को पता है सब। अरे वैसे आपको एक बात पता है क्या, एक और वेनम बाकी है। अबे क्या बात कर रहा है, और कितने हैं? अरे इसने कहा था कि इसके साथ एक और वेनम आया है जो अवेंजर को खत्म करने गया है। भाई साहब यार। अरे आप टेंशन मत ले, उसको मैं संभाल लूंगा। अबे तू कैसे संभालेगा उसको? अरे मैं इस वाले वेनम की सारी पावर अपने अंदर लूंगा। अबे क्या बात कर रहा है, ये देखो। गाइस यार शिनचैन तो वेनम बन गया, कितना छोटा सा प्यारा सा वेनम दिख रहा है ये। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ। मैं तो बोलता हूँ तू रहने दे, मैं उसको निपटा लूंगा। अरे नहीं उसने मुझसे पंगा लिया है, मैं बदला लेके रहूंगा। अच्छा ठीक है, बस संभल के रहना। संभल के रहने की जरूरत तो उसको पड़ेगी। गाइस यार मैंने पहली बार ऐसा वेनम देखा है, अगर आप लोगों ने भी मेरी तरह पहली बार देखा है तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। शिनचैन तू उसको संभाल तो लेगा ना? अरे आप मेरी टेंशन मत लो, आप अवेंजर के पास जाओ। चलो मैं जाता हूँ हिसाब बराबर करने। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आ जाना, मैं टोनी के घर पे मिलूंगा। अच्छा ठीक है, ये मैं चला। अरे वगैरह इसके बात है, मैं तो पहली बार वेनम बना हूँ, ये भी स्पाइडरमैन की तरह स्विंग कर सकता है, इसकी पावर तो बहुत अजीब सी है। अब बताऊंगा उस दूसरे वाले वेनम को कि मुझसे पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। अरे मैं तो एक छोटा सा प्यारा सा वेनम हूँ, मैं तो बहुत ही खतरनाक हूँ। गाइज मुझे मेरे सेंसर्स बता रहे कि वो वेनम यही कहीं पे होना चाहिए। ये रहा गाइज वो वेनम, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है, तुम जिंदा बच गए। अरे मैं तो बच गया, पर तुम नहीं बचोगे। तुमने मेरे भाई को मारा और मेरे भाई की पावर ली। अरे थोड़ी देर में तुम्हारी भी ले लूंगा। अब तुम भी एक वेनम हो, हमारी टीम में आ जाओ। अरे एक काम करो, तुम हमारी टीम में आ जाओ, कम से कम मरने से बच जाओगे। बच्चे तो मेरे हाथ से मरेगा, मैं अपने भाइयों का बदला लेके रहूंगा। अरे तुम्हारे भाई ने भी थोड़ी देर पहले ऐसा ही बोला था। तुझे मारने के बाद मैं अवेंजर को भी खत्म कर दूंगा। अरे हाँ पर पहले मुझे तो मार लो। तू तो एक बच्चा है, तुझे मारने में मेरा ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। अरे मैं कोई मामूली बच्चा नहीं हूँ, मेरे अंदर सुपर पावर है। मुझे लगता है तुझे मजा चखाना ही पड़ेगा। अरे तो आ जाओ ना, डरता कौन है। डरेगा तू थोड़ी देर बाद मुझसे डरेगा। अरे गाइस कहाँ पर चला गया? अपने पीछे देख। अरे अच्छा हुआ बता दिया, जल्दी से भाग जाता हूँ। अरे ये क्या कर रहा है गाइस? ये ले। अरे गाइस ये क्या लग गया मुझे, काटे काटे। आज तो तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। अरे ये डायलॉग तो मेरा था, ये ले ये भी ले। अरे गाइस इसने तो मुझे उठा के ही फेंक दिया। मैंने पहले कहा था तू मेरे हाथ से मरेगा। अरे पहले मार तो लो, बाद में डायलॉग मारना। एक बार बस मेरे हाथ में लग जा। अरे हाथ में कैसे लगूंगा, खुद ही तो उठा उठा के फेंक रहे हो। गाइस यार अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाला, बराबर मजा चखाऊंगा। तुम जानते नहीं हो शिनचैन नोहारा की पावर। कहां पर गया मेरे पास आ? अरे मैं तो यही पर हूँ, आ जाओ। गाइस अब इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, इसकी तो पूरी पावर ले लूंगा। अरे ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो खत्म हो मेरे हाथ से। गाइस क्या बात है, इसको तो मार के मजा आ गया, अब तो मेरे में डबल पावर आ गई है। अब जल्दी से जाता हूँ फ्रैंकलिन भैया के पास, वेनम की पावर तो बहुत ही खतरनाक होती है, अब मैं इसको बहुत जगह यूज करूंगा। चलो गाइस फाइनली पहुंच गया मैं, अब जल्दी से अंदर जाता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं आ गया। वाह यार शिनचैन तूने तो कमाल ही कर दिया। हल खुश। शाबाश शिनचैन। हाय कितना प्यारा सा लग रहा है। हाँ बस थोड़ा भयानक लगे छे ना। वैसे शिनचैन तुम पे वेनम का गेटअप बहुत सूट कर रहा है। अरे थैंक यू, अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। अबे यार ये शिनचैन और चॉप वापस से गायब हो गए। जैसे काम की बारी आती है दोनों जन मिस्टर इंडिया बन जाते हैं, और शिनचैन ने तो आज वापस से स्कूल मिस करी। आज तो भाई साहब इनको नहीं छोड़ने वाला मैं। चॉप और शिनचैन की तो साथ में रह के इतनी मस्तियां बढ़ गई है ना, दोनों जन ने नाक में दम करके रखा हुआ है मेरे। अरे चॉप आज तो फ्रैंकलिन भैया मुझे ही ढूंढ रहे होंगे, एकदम लंबा वाला लेक्चर देंगे आज तो वो मुझे। अरे शिनचैन ऐसा क्या हो गया? अरे दरअसल आज मैं वापस से स्कूल नहीं गया ना। अरे यार शिनचैन तू स्कूल जाया कर, तेरे पीछे पीछे मुझे भी सुनाता है वो। अरे चॉप आज स्कूल में पीटी का लेक्चर था, और तुम्हें तो पता है ना मुझे एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यार शिनचैन पसंद तो
मुझे भी बिल्कुल नहीं है, वो लोग बहुत ज्यादा दौड़ाते हैं। अरे चुप, आज मैं फ्रैंकलिन भैया के साथ एक प्रैंक करने वाला हूँ। अरे यार शिनचैन, एक तो तू स्कूल नहीं गया, ऊपर से ये प्रैंक करेगा तो फ्रैंकलिन भैया दोनों पे बहुत ज्यादा भड़क जाएंगे। अरे चुप, इसीलिए तो प्रैंक कर रहा हूँ ना, ताकि इस वाली बात की वजह से वो स्कूल वाली बात भूल जाए। अरे हाँ यार शिनचैन, तू तो बहुत ज्यादा स्मार्ट निकला हो, ऐसे कौन सा वाला प्रैंक करेगा। मैंने तुम्हारी टट्टी उठा के स्विमिंग पूल में डाल दी है, आज फ्रैंकलिन भैया को पानी में उसके दर्शन होने वाले है, उनको जोर का झटका एकदम धीरे से लगेगा। अरे यार शिनचैन मजा ही आ जाएगा, उनके तो दिमाग के तार ही हिल जाएंगे। अरे दिमाग के तार क्या, पूरे के पूरे फ्रैंकलिन भैया ही हिल जाएंगे। आज तो फ्रैंकलिन भैया का दिमाग एकदम से खराब ही हो जाएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं, अभी फ्रैंकलिन भैया को बुलाता हूँ। फ्रैंकलिन भैया जल्दी से आओ, मैं पानी के अंदर डूब रहा हूँ। फ्रैंकलिन भैया जल्दी आओ। गाइस यार ये तो शिनचैन की आवाज थी, उसको क्या हो गया? रुक जा शिनचैन, मैं आ रहा हूँ। एक तो पता नहीं लोग मेरे लिए कैसे कैसी मुसीबत खड़ी कर देते यार, अब इसको कुछ हो गया तो नुकसान हो जाएगा। अबे यार कितना भी शरारती हो, है तो अपना छोटा भाई, जाके तो बचाना ही पड़ेगा। गाइस यार यहाँ पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। भाई साहब यार सच्ची में तो कोई डूबने गया ना? गाइस अंदर जाके देखते हैं, नहीं तो यार बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अबे यार ये क्या चीज, गाइस इन लोग ने वापस से अपने साथ एक प्रैंक करा, चॉप की टट्टी पानी के अंदर डाल दी, पूरे स्विमिंग पूल का सत्यानाश कर दिया इन दोनों ने। अरे फ्रैंकलिन भैया कैसा लगा हमारा मजाक? अबे यार ये कोई मजाक करने वाली चीज है, वहां से टट्टी कौन साफ करेगा? अरे फ्रैंकलिन भैया हमारे घर का नौकर करेगा, और कौन? अबे हमने कभी घर पे नौकर रख लिया भाई? अरे फ्रैंकलिन वो तुम्हारी बात कर रहा है, मैं नौकर दिखता हूँ तुम दोनों को। अरे फ्रैंकलिन भैया वैसे भी तो आप क्या ही काम कर लेते हो, कम से कम इतना करोगे तो लोग कहेंगे कुछ तो करता है लड़का। चुप रहो यार तुम दोनों, एक तो मूड खराब कर दिया, नहीं तो। भाई साहब यार अभी ये किसका फोन आ गया? फ्रैंकलिन मैं बोल रहा हूँ, टोनी। हाँ मालूम पड़ा, बोलो अभी। ये तुम इतने गुस्से में बात क्यों कर रहे हो? अरे यार कुछ नहीं है, शिनचैन और चॉप ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अच्छा ऐसी बात है क्या? कोई नहीं। अरे यार इनको छोड़ो, तुम बताओ क्या हो गया। दरअसल डूम्सडे अपना स्पेसशिप लेके धरती पे आ चुका है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। क्या बात कर रहे हो, तो तुमने उसे रोकने के लिए किसी को भेजा या नहीं? अरे मैंने थॉर और हल्क को भेजा है, पर मुझे नहीं लगता वो उसे रोक पाएंगे। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो गई है, हमें सुपरमैन से मिलना पड़ेगा, वही उसे रोक सकता है। तुम एक काम करो, अभी घर से निकलो। अरे यार पर मुझे थोड़ी पता वो कहाँ रहता है, मैंने तुम्हें एक लोकेशन भेजी है, तुम वहाँ पर पहुंचो, मैं तुम्हें सीधा वहीं पे मिलूंगा। अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं अभी निकलता हूँ। शिनचैन जल्दी चल, अपने को निकलना पड़ेगा। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या हो गया और ये फोन किसका था? अरे वो सब मैं तेरे को रास्ते में बताता हूँ ना। गाइस यार ये तो एक बैटमैन की गाड़ी लग रही है, पर यहाँ पर क्या कर रही है? गाड़ी नहीं, मैं भी यहाँ पर ही हूँ। अरे बैटमैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डूम्सडे धरती पे आ चुका है, तुम्हें सुपरमैन से मदद मांगने जाना पड़ेगा। हाँ वो तो पता है मुझे। तुम्हें कैसे पता? अरे वो मुझे आयरन मैन का फोन आया था। अच्छा ऐसी बात है क्या? तुम भी तो उसे रोकने जा सकते थे ना। मुझे जोकर को रोकने जाना, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गया। जोकर फिर से आ गया? अच्छा बैटमैन एक बात तो बताओ, ये सूट तुमने कहाँ से सिलवाया? मैंने सिलवाया नहीं है, ये मेरे खुद बनाया है। अच्छा तो तुम दर्जी वाला काम भी करते हो क्या? मैं दर्जी वाला काम नहीं करता, मैं दुनिया को बचाता हूँ। अरे रहने दो, लास्ट टाइम तो हमने तुम्हें बचाया था। अरे वो तो मेरा सूट मेरे पास नहीं था इसलिए। बैटमैन इससे मत लगो, इसका बकवास कभी बंद नहीं होने वाला, हम लोग निकलते अभी यहाँ से। ऐसे मत जाओ, एक काम करो तुम मेरी गाड़ी ले जाओ, रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्या बात कर रहे हो, ये वाली गाड़ी? अरे फ्रैंकलिन भैया आज तो मजा ही आ जाएगा। मजा क्या आ जाएगा, मैं तुम दोनों को काम से दे रहा हूँ, घूमने के लिए नहीं दे रहा। अरे वैसे भी फ्रैंकलिन भैया के हाथ में आने के बाद ये गाड़ी बैटमैन की गाड़ी से सीधी बंगार वाले की गाड़ी हो जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो मजाक कर रहा है। ठीक है तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं भी चलता हूँ। शिनचैन यार गाड़ी तो देख कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। अरे फ्रैंकलिन भैया ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक कार है। शिनचैन जल्दी से आके बैठ जा। फ्रैंकलिन भैया ने की और पूछ पूछ। मैंने तो सुना था कि इस प्लेनेट पे अवेंजर सबसे ज्यादा ताकतवर है, पर तुमसे लड़के तो ऐसा लग रहा है कि मेरे प्लेनेट के बच्चे भी तुमसे ज्यादा ताकतवर होंगे। हल्क छोड़ेगा नहीं, हल्क तुमको मार देगा। अब मैं तुम दोनों को मार के अवेंजर की गिनती में से दो अवेंजर कम कर दूंगा। डूम्सडे अगर बाकी अवेंजर यहाँ पर पहुंच गए तो तुम नहीं बचोगे। आने दो बाकी अवेंजर को, सारे अवेंजर को मार के मैं इस प्लेनेट पे कब्जा कर लूंगा। हल्क बदला लेगा, हल्क बदला लेगा। तुम्हारे इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे, भलाई इसी में है कि तुम जहाँ से आए हो वहीं को लौट जाओ। अभी तो तुमने मेरी पावर का नमूना देखा है, मेरी ताकत दिन ब दिन बढ़ते ही जाएगी। डूम्सडे अवेंजर तुमको नहीं छोड़ेगा, मैं उन्हीं के इंतजार में बैठा हूँ, नहीं तो मैंने अभी तक तुमको मार दिया होता। तुम्हें हराने के बाद मैं एसगार्ड के जेल में भेज दूंगा, तुम वहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। वाह क्या बात है, तुम्हारा भी एक प्लेनेट है, अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पर कब्जा करने के बाद तुम्हारे प्लेनेट को भी अपने काबू में कर लूंगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारा खात्मा निश्चित है। एक बार बस तुम्हारे साथियों को आन दो, फिर उनके सामने तुम्हें मार के मैं उनके मन में अपना डर पैदा कर लूंगा। अरे फ्रैंकलिन भैया मजा ही आ गया, ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। शिनचैन कमाल क्या, एकदम धमाल है। गाइस यार इसका कलर तो देखो कितना ज्यादा प्यारा है। अरे वाकई इसके बात है, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। अरे फ्रैंकलिन भैया मैंने तो पहले कहा था बैटमैन की गाड़ी चुरा लेते हैं। शिनचैन यार उस टाइम पे माहौल खराब था, इस बार अपन पक्की चुराएंगे। अच्छा फ्रैंकलिन भैया एक बात तो बताओ, आप सुपरमैन से पहले कभी मिले हो क्या? मैंने तो उनको कभी नहीं देखा। शिनचैन यार देखा तो मैंने भी नहीं है कभी, मैं भी पहली बार ही मिल रहा हूँ। अच्छा वो आयरन मैन से भी ज्यादा ताकतवर है क्या? अरे यार वो तो मेरे को नहीं पता, पर वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। गाइस आप लोगों को क्या लगता है कौन ज्यादा ताकतवर है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अरे फ्रैंकलिन भैया हमें वंडर वुमन भी देखने मिलेगी क्या? तू
इसको देख के क्या करेगा? अरे मैंने सुना है वो बहुत ज्यादा कमाल की दिखती है। यही सब सोचता है क्या तेरे को? और ये तेरे को किसने बताया? अरे वो मुझे बैटमैन बता रहा था उस दिन। क्या बात कर रहा है? गाइस यार मुझे नहीं पता था बैटमैन ऐसी सब चीजें सोचता है। अरे आपको नहीं लगता हमको निकलने से पहले चौप की टट्टी साफ कर लेनी चाहिए थी? अबे यार ये तो मैं भूल ही गया। अरे कोई बात नहीं, अभी तक तो उसकी टट्टी पानी से घुल मिल गई होगी। ये सब तेरी करतूत है। अरे मैं इतना भी कुछ खास नहीं, तारीफ नहीं कर रहा तेरी मैं। शिनचैन यार यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ही गाढ़ है, काम कर तू यहीं पे रुक, मैं जाके आता हूँ। ठीक है फ्रैंकलिन भैया, पर जल्दी से आना, तू हिलना नहीं यहाँ से। गाइस यार जगह तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रही है, पर इधर इतने सारा गार्ड क्या कर रहे हैं? मुझे तो लगता है ना गाइस ये सुपरमैन का खुफिया अड्डा है, जहाँ देखो गार्ड ही गार्ड दिख रहे हैं। वैसे सुपरमैन को इनकी क्या जरूरत, वो तो ऑलरेडी इतना ज्यादा ताकतवर है। गाइस यार बहुत ज्यादा ही बड़ी जगह है, वहां तक पहुंचने से पहले इन्हें थक जाऊं मैं। मानना पड़ेगा गाइस यार यहाँ तो अवेंजर से ज्यादा सिक्योरिटी है। वैसे तो अवेंजर के घर के आसपास सिक्योरिटी होती नहीं है। क्या बात है फ्रैंकलिन, तुम तो टाइम से आ गए, हमें तो लगा था तुम देर कर दोगे। अरे नहीं दरअसल वो बैटमैन ने अपनी बैट मोबाइल हमको दे दी थी ना, तो हमको आने में ज्यादा दिक्कत ही नहीं हुई। क्या बात कर रहे हो, तुमसे बैटमैन मिलने आया था? हाँ उसको पता नहीं था कि तुमने ये वाली बात मुझे फोन पे बता दी है। अच्छा ऐसी बात है क्या, कोई नहीं। अच्छा तो तुम ही फ्रैंकलिन हो। अरे आयरन मैन ये कौन है? अरे फ्रैंकलिन यही सुपरमैन है। अरे सॉरी यार मैंने पहचाने नहीं, एक तो कभी देखा हुआ नहीं, ऊपर से इन्होंने सूट भी नहीं पहना हुआ। अरे दरअसल वो मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। हेलो दोस्तों कैसे हो, मेरा नाम शिनचैन नोहारा है और मैं 5 साल का हूँ और मुझे शिमला मिर्च बिल्कुल भी नहीं पसंद। और शिनचैन तुम कहाँ पर रह गए थे? शिनचैन तेरे को मैंने नीचे खड़े रहने बोला था ना। अरे फ्रैंकलिन भी आप इतना ज्यादा टाइम लगा रहे थे, मुझसे रहा नहीं गया। तू कभी कोई बात मानेगा भी कि नहीं मेरी? अरे फ्रैंकलिन इसे क्यों डांट रहे हो? अरे फ्रैंकलिन भैया ये चुमुसी शक्ल का आदमी कौन है? अरे मैं सुपरमैन हूँ। अरे ये तो एकदम कजामा के जैसा दिख रहा है। कजामा ये कौन है? अरे कजामा मेरे स्कूल का दोस्त है, वो भी आपकी तरह शक्ल से चुमू और दिमाग से होशियार है। अरे ये बच्चा तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। और नहीं सुपरमैन ये ऐसे ही मजाक करता रहता है। वैसे आयरन मैन तुमने सुपरमैन से बात कर ली क्या? मैंने बात तो कर ली है, पर यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? सुपरमैन की पहले वाले लड़ाई में उसे बहुत ज्यादा क्रिप्टोनाइट लग गए थे, जिसकी वजह से वो अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर है। अरे यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात हो गई। हाँ पर हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन है। अच्छा और वो क्या है? सुपरमैन अपनी पावर तुम्हें देगा, तुम्हें जाकर डूम्सडे को हराना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो ये तुम? हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं बचा और हमें पता है ये काम तुम ही कर सकते हो। अरे वाह क्या बात है फ्रैंकलिन भाई, आप तो सुपरमैन बनोगे। अरे यार मैं कैसे सुपरमैन बन सकता हूँ? अरे फ्रैंकलिन भैया बन नहीं सकते, आप बन गए हो। क्या बात कर रहा है शिनचैन तू? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया और आपकी शक्ल भी चोमोंगल से मिलने लग गई है। ये क्या है आयरन मैन, यार पावर तक तो ठीक था, मेरी शक्ल इससे क्यों मैच कर दी? और दरअसल अगर डूम्सडे को पता चल गया कि सुपरमैन यहाँ पर और कमजोर है, तो वो तुम्हें छोड़ के पहले सुपरमैन को मारने आ जाएगा। अच्छा ऐसी बात है क्या? अच्छा सुनो ये पावर सिर्फ आज के लिए रहेगी, तो तुम्हें आज के आज उसे खत्म करना पड़ेगा। अरे वक्त क्या बात है फ्रैंकलिन भैया, आप तो एकदम फिट लग रहे हो। शिनचैन मैं ऐसे भी फिट ही रहता हूँ। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो, पूरे दिन तो खा पी के घर पे पड़े रहते हो। फ्रैंकलिन तुम लोग यहाँ से निकलो, इससे पहले कि डूम्सडे थॉर और हल्क दोनों को मार दे। हाँ ठीक है चल शिनचैन निकलते अपन यहाँ से फटाफट। अरे फ्रैंकलिन भैया संभल के, ये लाल पर्दा आपके पैरों में ना जाए। शिनचैन देख तू तो उड़ नहीं सकता और मुझे जल्दी पहुंचना है, तो तू एक काम कर घर को निकल ले। अरे यार फ्रैंकलिन भैया मुझे भी आना था। शिनचैन देख अभी तो ये पॉसिबल नहीं, तू एक काम कर घर पे जा और चौप की टट्टी साफ कर देना। अरे फ्रैंकलिन भैया वो काम तो आपका है और आपको पता है मैं दूसरों के काम नहीं करता। मुझे पता ही तो तू ऐसे ही बोलेगा, चल मैं निकलता हूँ फिर। गाइस यार मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड हो रखा हूँ सुपरमैन की पावर को लेकर, क्योंकि डीसी के कैरेक्टर की पावर अपने को बहुत कम ही बार मिलती है और डीसी यूनिवर्स में भाई सुपरमैन सबसे ज्यादा ताकतवर है। गाइस सुपरमैन भी एक गॉड ही, और इतना तो मुझे आज पक्का पता है कि जो भी हमारे सामने आएगा ना जिंदा तो नहीं बचेगा। ओ भाई साहब पुलिस पहुंच चुकी है यहाँ पर। अरे यार अभी तो यही पे दिखा चली गई। गाइस यार अभी तो दूर से मुझे मार रही थी, अचानक से कहाँ गायब हो गई। ओ भाई साहब ये हेलीकॉप्टर अचानक से सामने आ गया। गाइस यार अब मैं इनको नहीं छोड़ने वाला, इनको तो मैं अभी बताता हूँ एक ही पंच मारूंगा। गाइस यार एक पंच में सीधा नीचे चले गए। सुपरमैन की पावर बोले तो सारी की सारी नेक्स्ट लेवल ही होती है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। गाइस आप देख रहे हो एक ही पंच में पूरी पूरी गाड़ी उछल के चली गई भाई साहब। गाइस यार क्या खतरनाक लेजर छोड़ रहा है ये। ओ भाई साहब एक और हेलीकॉप्टर, ये तो गया। गाइस आप देख रहे हो मुझे ज्यादा देर लेजर छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, थोड़ी सी लगती है और हेलीकॉप्टर सीधा ब्लास्ट हो जाता है। और गाइस इसका पंच इतना ज्यादा हैवी पड़ रहा है ना पूछो मत। गाइस यार कितनी ज्यादा स्पीड में गया, उसको सीधा हाथ में पकड़ के लेजर से मुंह जला दिया। एक तो ये हेलीकॉप्टर कब से पीछे से परेशान करे, अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। गाइस पहले तो इसको जाके निपटा लेते अपन। एक तो गाइस इसकी स्पीड बीच बीच में ना एकदम फ्लैश से भी ज्यादा हो जाती है। अब तो गाइस ये हेलीकॉप्टर मेरे हाथ से क्या एक ही पंच में निपट जाएगा। अरे यार बच गया, अब ये नहीं बचेगा मेरे हाथ से। गाइस ये पायलट नीचे कूद के बचने की कोशिश कर रहा है, पर इसको नहीं पता इसके साथ क्या होने वाला है अभी हवा में। गाइस यार अब तो इसका मुंह जला दूंगा मैं। ये वाली पावर इतनी ज्यादा डरावनी लगती है ना भाई, बहुत ज्यादा खौफनाक पावर है। गाइस यार एक ही बवंडर में सारे के सारे लोग गायब हो गए, कितनी ज्यादा खतरनाक पावर है। थोड़ी बहुत और पावर आजमा के देखते हैं अपन। भाई साहब अभी ये मेरे हाथ से गए, मेरे को तो इतना ज्यादा मजा आ रहा ना। गाइस मैं इसी वाली स्पीड की बात कर रहा था, आप लोगों ने देखा अभी ऐसा लग रहा था मैं फ्लैश से भी ज्यादा स्पीड हो गया था। भाई सब समझ ही नहीं आ रहा ये मेरे को घुमा रहा है कि मैं इसको घुमा रहा हूँ। गाइस यार क्या मुंडी उखाड़ा इसने और दूसरे को मारा है। गाइस एक दो जन की और
मुंडी उखाड़ के देखते। ओ भाई साहब गाइस ये तो ऐसे उखाड़ता है जैसे बोतल का ढक्कन ही खोल दिया। ये ले भाई तेरे दोस्त का सर। अबे तू क्या देख रहा है, इससे अच्छा तो भाग ही गया होता। गाइस सुपरमैन की पावर मुझे इतनी ज्यादा खतरनाक लगती है ना, मुझे लगता है दूसरे सुपर हीरो भी इससे डरते ही होंगे। इतनी सारी गोलियां चल रही है गाइस, पर अपने को तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, मैं बता रहा हूँ आपको। नीचे एकदम स्पीड में जाते हुए और अब इनकी बारी। गाइस यार मुझे नहीं पता था ये फ्रीज भी कर सकता है लोगों को। गाइस यार ये तो कुछ नया ही पता चल गया। अभी मजा आएगा ना वीडियो गाइस, सबको जमा जमा के ऐसा मारूंगा ना, एक ही पंच में फोल्ड डालूंगा। दो वहां के गए और दो यहां के भी गए। गाइस अभी एकदम खतरनाक वाली लेजर छोड़ते और सबको एक ही बार में खत्म करने की कोशिश करते। भाई साहब यार कितना ज्यादा मजा आ रहा है, एक ही बार में सारे के सारे निपट गए। गाइस ये क्या, एक और गाड़ी आ रही है, ये भी गई गाइस मेरे हाथ से अभी तो। और कोई तो नहीं बचा ना गाइस। गाइस यार मारना पड़ेगा सुपरमैन की पावर को, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, तो जल्दी से कर दो। तो गाइस यार यहाँ का काम तो पूरा हो गया, अभी फटाफट से चलते उस डूम के पास इससे पहले कि वो हल्क या थॉर को कोई नुकसान पहुंचाए। वैसे भी गाइस यार आज मुझको कोई डर नहीं, आज अपन बने हुए सुपरमैन। ओ भाई साहब यार ये इतनी बड़ी स्पेसशिप किसकी है, पक्का वो डूम इसी में आया होगा। जल्दी से नीचे चलते गाइस। ओ भाई साहब ये रहे तीनों जन। गाइस यार इसने तो हल्क और थॉर की इतनी गंदी हालत की हुई है, मुझे लग रहा है मैं थोड़ी देर में नहीं आता ना तो ये पक्का मर जाते थे। आयरन मैन ने सही बोला था, ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हल्क बचाओ, हल्क बचाओ। रुक जाओ डूम्सडे, नहीं तो ये तुम्हें बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम दोनों को तो मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। तुम्हारी लाशें देख के एवेंजर की रूह कांप उठेगी। रुक जाओ डूम्सडे। अब ये कौन है? हल्क को दर्द हो रहा है, हल्क को दर्द हो रहा है। अच्छा वो फ्रैंकलिन तुम आ गए, पर इससे संभल के रहना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। थॉर तुम टेंशन मत लो, आज तो मेरे पास भी बहुत ज्यादा पावर है, आज मैं सुपरमैन बनाऊं। इसको मत छोड़ना, इसको मत छोड़ना। गाइस यार इन दोनों की हालत तो बहुत ज्यादा ही खराब है, फटाफट से एक लाइक कर दो ताकि इनको थोड़ी पावर मिले और ये ठीक हो जाए। अच्छा वैसे हल्क तुम्हें कैसे पता चला मैं फ्रैंकलिन हूं? मुझे तुम्हारी आवाज से पता चल गया था। अरे हाँ यार ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। हो गई तुम लोगों की बकवास। रुक तेरे पास ही आ रहा हूं, तेरे लिए आयो मैं स्पेशल यहाँ पे। वाह सुपरमैन क्या बात है, बैटमैन नहीं आया आज। बैटमैन आके क्या करेगा, आज मैं तेरे लिए अकेला ही काफी है। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। गलत है या सही है ये तो बाद में पता चलेगा। थॉर हल्क एक काम करो, तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं इसको संभाल लूंगा। ठीक है फ्रैंकलिन, पर तुम अपना ध्यान रखना। अरे यार तुम टेंशन मत लो, तुम अभी जाओ यहाँ से, अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचेगा। अबे यार गाइस अभी तो इधर ही था, कहाँ चला गया? ओ भाई साहब यार ऊपर से आया, तो इतनी स्पीड में आ रहा ना गाइस, ये इतना बुरी तरीके से मार रहा है अपने को। गाइस अगर ये एक सुपरमैन को इतनी बुरी तरीके से मार सकता है तो आप सोच लो इसके पास कितनी ज्यादा पावर होगी। अरे यार मैं इसको खड़े होकर मारने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये तो मारने नहीं दे रहा है। गाइस यार ये तो पानी में भिगो भिगो के मार रहा है, भाई कपड़ा थोड़ी हूँ मैं। भाई यार इसने तो आते ही हालत खराब कर दी, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है गाइस इस पे भी। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इतनी बुरी तरीके से मारूंगा ना मैं इसको। अबे यार फिर से गिरा दिया, सुपरमैन का तो मजाक बना के रखा हुआ है। एक बार बस मेरे हाथ आ जा फिर बताता हूँ बेटा तेरे को मैं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते सुपरमैन। अच्छा ऐसी बात है, ये ले पंच का डायलॉग मारने के चक्कर में मार खाया बेचारे ने, क्या हुआ हालत पतली हो गई? हालत तो तुम्हारी पतली होने वाली है। अबे यार ये इतना लाल कैसे हो गया, गुस्सा आ गया क्या? अब तुम गए मेरे हाथ से। गाइस यार मुझे लग रहा है इसकी पावर बढ़ गई है। अबे यार पत्थर उठा उठा के मार रहा है साला, आज तो गाइस ये अपनी विकेट लेके ही छोड़ेगा। अरे यार फिर से इसके हाथ में आ गई, ये तो भाई उठा उठा के पेल रहा है। गाइस सच्ची बता रहा हूँ, आज अगर सुपरमैन तो नहीं होता ना तो अपनी हालत खराब हो जाती। गाइस अभी मेरा दिमाग खराब हो रहा है, आप जल्दी से फटाफट से लाइक कर दो ताकि मेरी पावर बढ़ जाए। क्या हुआ सुपरमैन हालत खराब हो गई? बेटा हालत तो अभी तेरी खराब होगी, तू बस देखते जा। मुझे कोई नहीं मार सकता। गाइस यार क्या बात है, अपना तो सूट ही चेंज हो गया और मुझे बहुत ज्यादा पावर फील हो रही है। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने कपड़े चेंज कर लोगे तो तुम मुझे हरा पाओगे? अबे खाली कपड़े चेंज नहीं हुए, मेरी पावर भी चेंज हुई है, आके आजमा के देख। ऐसी बात है तो आ जा। अबे यार आते पीठ तोड़ दी, अब तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये ले ये भी ले, दिमाग खराब करके रखा हुआ है कब से इसने मेरा। कब से मारे जा रहा है कुछ नहीं बोल रहा तो। अबे भागता कहा है? अबे भाग नहीं रहा, रुक आ रहा हूँ मैं वापस तेरे पास। ये मैं आया। ये क्या घुमा फिरा के मार रहे हो? तुझे क्या लगता है सिर्फ तुझे ऊपर से आके मारने आता है? अबे गाइस यार फिर से अपन इसके हाथ में लग गए, ये क्या हो रहा है भाई साहब? ओ भाई साहब यार क्या पंच पड़ा गाइस इसको, इसको तो अभी मैं पंच पे पंच देने वाला हूँ, इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अभी हिम्मत है तो उठ के बता, कब से बहुत ज्यादा पावर किए जा रहा था, अभी बराबर मार खा रहा है ये। इसको तो गाइस आज मैं एकदम घसीट के मारूंगा। अबे यार फिर से उठ गया, इतनी मार खाने के बाद भी नहीं सुधरा ये। मार तो तू अब खाएगा। अबे यार ये फिर से शुरू हो गया मारना। अबे पानी के अंदर मार रहा है, तू नहीं बचेगा मेरे हाथ से। ये ले थोड़ी लेजर खा। अबे कहाँ चला गया? अबे अभी तो यही पे था। गाइस बहुत ज्यादा टाइम पास हो गया, अभी टाइम आ गया इसको एकदम से खत्म करने का, तो जल्दी से लाइक कर दो। जो लोग चैनल पे नए फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, इससे मुझे और ज्यादा पावर मिलेगी और मैं इसको खत्म कर पाऊंगा। और ये रही गाइस अपनी एकदम स्पेशल पावर। गाइस यार ये तो अपनी गॉड लेवल की पावर से एक ही बार में निपट गया। वैसे इसकी लाश कहीं दिखाई नहीं दे रही, लगता है इसके चीतड़े उड़ गए। गाइस यार मॉन्स्टर तो मर चुका है, अब एक काम करते इसकी स्पेसशिप भी एकदम से खत्म कर देते। ओ भाई साहब यार कितनी ज्यादा बड़ी स्पेसशिप है गाइस, इतनी बड़ी चीज मैंने आज तक कभी भी तबाह नहीं की है। एक काम करता हूँ लेजर का इस्तेमाल करता हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा सीधा सीधा। चलो गाइस यार नीचे वाला हिस्सा तो एकदम से तबाह हो गया है, अभी ये किसी काम का नहीं, अभी ऊपर जाके भी देख लेते हैं। गाइस यार एक बार इसका साइज तो देखो, कितना ज्यादा बड़ा है, आपको क्या बताऊं मैं। अभी ऊपर भी गाइस चारों बाजू से इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो अभी ये किसी काम के नहीं है क्योंकि इसका मेन इंजन तो मैंने उड़ा ही दिया था। चलो यार गाइस फाइनली ये डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो अभी अपन यहाँ से निकलते हैं।
पेनीवाइज तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? क्योंकि मुझे तुम्हारे भाई के कातिलों का पता है। कौन है वो? हम उसे नहीं छोड़ेंगे। उसका नाम फ्रैंकलिन है जिसने तुम्हारे भाई को मारा था। अरे पेनीवाइज माला नहीं था, बहुत बुली तरीके से माला था। सिलेंडर मैन तुम एकदम ठीक कह रहे हो। तुम दोनों बेवकूफ अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी वजह से लास्ट टाइम वो हाथ से निकल गया था। तुमने हमें यहाँ पर हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? हमने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि तुम अपने भाई की मौत का बदला ले सको और बॉस भी हमसे खुश हो जाए। इस बार टेंशन मत लो, इस बार हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अरे थाईलैंड है, ये वाली बात तो पहले भी कही सुनी हुई है ना। हाँ सिलेंडर मैन, इसके पहले जो वेनम आए थे वो भी ऐसा ही बोल रहे थे। अरे हाँ ले थाईलैंड है, दूध के बाद वो कुत्ते की तरह माल खाते हुए पाए गए थे। इस बार हम उसे पक्का हरा देंगे, मेरे पास गॉड वेनम और स्पाइडर वेनम भी है। अरे बग्गा इसके बात है, हमारे बेडरूम में तो इतना बड़ा टीवी लग चुका है और इतने ज्यादा खतरनाक स्पीकर। अब मैं और चॉपर इस बेड पे सोते सोते एक्शन कमिंग देखेंगे और साथ में बुरी बुरी डांस भी करेंगे। गाइस मैं अभी ट्रैंकलिन भैया को थैंक यू बोल के आता हूँ। ट्रैंकलिन भैया आप कहाँ पर हो? अबे मामू चिल्ला काय को रहा है, अपन इधर ही तो खड़ा है। अरे ट्रैंकलिन भैया आपने तो कमाल ही कर दिया, आज मुझे पता चल गया आप सबसे अच्छे बड़े भाई हो। वो सब तो ठीक है भिड़ू, पर अपन ने ऐसा क्या कर दिया? हाँ शिनचैन क्या हो गया, इतना उछल क्यों रहा है तू? अरे ट्रैंकलिन भैया ने आज बहुत बड़ी चीज लाई अपने घर पे, आओ मेरे पीछे मैं आपको बताता हूँ। चल तो जरा भिड़ू, अपन भी तो देखे अपन ने ऐसा क्या कर दिया। ये देखो फ्रैंकलिन भैया, इतनी बड़ी टीवी और इतने खतरनाक स्पीकर। अबे ये ट्रैंकलिन ने नहीं लाया, मैंने लाया है। अरे क्या बात कर रहे हो फ्रैंकलिन भैया। अरे फ्रैंकलिन भाऊ तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? कैसे आया, मतलब तेरी तरह झोल का पैसा नहीं है, ये मेरे स्मार्ट वर्क का पैसा है। अरे बग्गा इसके बात है, इसके लिए तो एक लाइक बनता है। बाबा यार मजा ही आ जाएगा, इतने बड़े स्पीकर में भोजपुरी गाने लगाऊंगा और अपने पंटर को बुला के नाचूंगा। फ्रैंकलिन अपने घर पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझा ना तू। अरे बाबा यार करने दो ना पार्टी, एक मिनट रुक जा, मेरे को किसी का फोन आ रहा है। हाँ बोलो टोनी भैया। फ्रैंकलिन वेनम वापस से शहर में आ चुके हैं। अरे यार अभी तो मैंने वेनम्स को हराया था, ये इतने वेनम आते कहाँ से? वो सब तो मुझे नहीं पता, पर ये भूतिया पार्टी के साथ मिलकर तुम्हें मारने का प्लान बना रहे हैं। अच्छा ऐसी बात है क्या? इससे पहले कि वो तुम तक पहुंचे तुम उन तक पहुंचकर उन्हें मार दो। अरे टोनी उसकी टेंशन ही नहीं है, मैंने इतने वेनम मारे ना कि मेरा नाम तो फ्रैंकलिन से हटा के ना वेनम हंटर होना चाहिए। फ्रैंकलिन शिनचैन एक गड़बड़ हो गई है, जल्दी से मेरे पीछे आओ। अरे पर बाबा हुआ क्या बताओगे भी? अरे पर पहले तुम लोग आके गाड़ी में बैठो फिर मैं बताता हूँ ना। अरे फ्रैंकलिन भैया मेरे लिए रुको मैं आ रहा हूँ। शिनचैन यार जल्दी से आके अपनी जगह पकड़ेगा। अरे फ्रैंकलिन भैया जगह क्या पकड़नी, मैं तो गाड़ी के छत पे ही खड़ा रहूंगा, मुझे एकदम अजय देवगन वाली फीलिंग आती है। बाबा ये सब क्या चल रहा है और तुम अपने को भगा के काय को लाया? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया ऐसा भी क्या हो गया, शिनचैन वेनम वापस से शहर में आ गए और इस बार वो भूतिया पार्टी के साथ मिलके मुझे मारने का प्लान कर रहे हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे लगता है ये भूपनिका फिर से अपने हाथ से मार खाएगा। अरे बाबा शिनचैन ने गाली दिया। अरे ट्रैंकलिन उसने गाली नहीं दिया, हम लोग सायरन हेड को भूपनिका बोलते क्योंकि उसके सर पे दो दो भोपू लगे ना। अच्छा ऐसी बात है क्या? बाबा यार मैं तो डर ही गया था। अरे फ्रैंकलिन भैया पर हमने तो थोड़े दिन पहले ही वेनम को हराया था। शिनचैन हराया तो था पर ये लोग दूसरे वाले वेनम है। अरे बाबा ये वेनम क्या होता है? अरे यार अभी तेरे को कैसे समझाओ, एक काम कर जब तू देखेगा ना अपने आप समझ जाएगा। अरे फ्रैंकलिन भैया यहाँ पर तो किसी ने हेलीकॉप्टर ब्लास्ट किया है। शिनचैन किसी ने नहीं वेनम ने किया, जरा सामने तो देख। अरे फ्रैंकलिन भैया ये तो एक स्पाइडर वेनम है। बाबा इसमें तो शॉर्ट सर्किट हो रहा है। अरे ट्रैंकलिन ये शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा है, वो अपनी पावर बढ़ा रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया कुछ तो करो इससे पहले कि ये फुल चार्ज हो जाए। शिनचैन टेंशन मत ले, स्पाइडर वेनम इतने ज्यादा खतरनाक नहीं होते भाई। बाबा यार मेरे को लग रहा है शिनचैन एकदम सही बोल रहा है, मुझे डर लग रहा है। अरे यार तुम दोनों इतने टेंशन मत लो, मैं बोल रहा हूँ मैं संभाल लूंगा। तो अरे फ्रैंकलिन भैया ये तो भाग के अपनी तरफ आ रहा है, जितने स्पीड में आ रहा है ना उतने स्पीड में वापस जाएगा। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया आपने तो एकदम कमाल ही कर दिया। अरे बाबा यार आपने तो इसकी एक मिनट में पुंगी बजा दी। अरे ट्रैंकलिन ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, इससे भी बहुत खतरनाक वेनम मारे मैंने इससे पहले। अरे बाबा ये मर तो गया, अब इसको लात क्यों मार रहे हो? अरे ट्रैंकलिन भैया ये तो इनके कंफर्म करने का तरीका है मरा या नहीं मरा। अच्छा बाबा ये तो निपट गया, इसके आगे अपने को क्या करने का है? अरे ट्रैंकलिन भैया आप तो फ्रैंकलिन भैया इसकी पावर लेंगे। अरे बाबा आप ये भी कर सकते हो? अरे ट्रैंकलिन भैया बस आगे देखते जाओ क्या क्या होता है। अरे बाबा आप तो सच्ची में एक वेनम बन गए। तुम दोनों सुनो, आगे खतरा हो सकता है तो आगे से मैं संभाल लूंगा, ट्रैंकलिन तुम शिनचैन को लेकर घर पे जाओ। अरे यार बाबा हमको भी साथ में लेके जाओ ना, हम लोग आपकी मदद करेगा। ट्रैंकलिन मैं कुछ बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कर, मैं शिनचैन को ये सब में नहीं फंसा सकता। ठीक है यार बाबा, शिनचैन की सेफ्टी के लिए कुछ भी। तो गाइज यार अपन यहाँ से निकलते और दूसरे वेनम को ढूंढते इससे पहले कि वो अपनी पावर बढ़ा ले, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी पावर बढ़ा ली ना तो उनको मारने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकती है। और भाई वैसे भी तो वो अपने खून के प्यासे बैठे हुए। एक तो गाइज मुझे समझ ही नहीं आता कि ये सारे वेनम आते तो आते कहाँ से, पर एक बात पक्की है जितने वेनम मैंने अभी तक मारे है ना सारे के सारे वेनम की नजर में मैं अभी तक वांटेड बन चुका हूँ। गाइज मुझे लगता है अगर ऐसे सारे वेनम बदला लेने के इरादे से आते रहे ना तो एक दिन मैं सारे के सारे वेनम दुनिया से खत्म कर दूंगा। पर फिलहाल तो मुझे नहीं पता अभी पीछे कितने और वेनम बचे, क्योंकि ये स्पाइडर वेनम को मिला के मैंने अभी तक 6 वेनम तो मार ही दिए। एक काम करते गाइज अपन सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग पे जाके देखते, क्या पता अपने को दूसरे वेनम वहां से दिख जाए। ओ भाई साहब यार क्या चल रहा है, तो एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं जमीन पे चल रहा था। गाइज अपन ऊपर पहुंच तो चुके। अबे यार ये क्या दिख रहा है मुझे, गाइज यहाँ पर कुछ तो दिखा था अभी। गाइज यार वहाँ पक्का कुछ ना कुछ तो चल रहा है क्योंकि मुझे सेंस आ रहे, पर इतने दूर से तो भाई कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। एक काम करते गाइज पास जाके देखते दरअसल मामला क्या है। ओ भाई साहब यहाँ तो माफिया मीटिंग चल रही है गाइज। चलो
बच्चों घंटी बज गई, मीटिंग खत्म। अरे गाइस यार, इन्होंने तो बंदूक ही तान दी अपने पे, अभी ये लोग मेरे हाथ से नहीं बचेंगे। इतनी बुरी तरीके से मारूंगा ना मैं इनको भाई, बहुत खतरनाक तरीके से। अरे यार गाइस, आप लोगों ने देखा क्या, ऐसे जमीन से रोप निकली और इनको अपनी तरफ खींच लिया। गाइस ये तो गए मेरे हाथ से। और गाइस का खतरनाक पावर है, जमीन से कांटे निकले आदमी सीधा ऊपर। इस पे वापस से ट्राई करके देखते हैं, ये भाग के आ रहा ना। गाइस यार बहुत खतरनाक पावर है। एक तो ये स्पाइक भी क्या खतरनाक तरीके से निकल रहे, सारे के सारे एक ही बार में खत्म हो गए। गाइस यार अभी कोई बचा है कि नहीं बचा। अरे यार ये राइस को मार के देखता हूँ। गाइस यार बहुत गजब पावर है, सही बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखो गाइस यार, ये एक बंदा यहाँ से छुप के मार रहा है। ये क्या भाई, लपा छुपी चल रही है क्या? इसको छुपना भी है और मारना भी है, दोनों काम तो भाई एक साथ नहीं हो सकते, तो तेरे को मरना ही पड़ेगा। तो चलो गाइस यार ये भी निपट गया, एक जन और बाकी है, वो रहा सामने। गाइस इसको भी ऐसे मार देते। गाइस यार एक तो कांटे वाली पावर मेरे को बहुत ज्यादा कूल लगती है, एक ही बार में आदमी निपट जाता है। चलो गाइस यार अपने पावर की टेस्टिंग भी हो गई है फिलहाल, तो अभी यहाँ पर सब क्लियर लग रहा है, तो अपन निकलते हैं यहाँ से। गाइस यार इन गुंडों को मारने के चक्कर में थोड़े से लेट हो गए अपन, तो मुझे लगता है अभी बाकी वेनम्स ने अपनी थोड़ी बहुत पावर बढ़ाई ली होगी, पर कोई नहीं गाइस, अपन उस चीज के लिए प्रिपेयर है, तो अपन उनको हरा ही देंगे। गाइस यार मैं अपने सेंस का इस्तेमाल करते करते यहाँ पर पहुंचा हूं, मुझे लगता है वो वेनम यही कहीं पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आसपास मौसम पूरा का पूरा बदला हुआ है। गाइस यार मुझे काफी तगड़ी फील आ रही है कि वो यही कहीं आसपास होना चाहिए। गाइस यार ये क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव पावर महसूस हो रही है। ओ भाई साहब, गाइस यार ये कैसा वेनम है, ये तो एंटी वेनम भी लग रहा है, एविल वेनम भी लग रहा है और फायर वेनम भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। मेरा नाम एंटी फायर वेनम है, तुम जो भी होना चुपचाप हार मान लो, क्योंकि तुम्हारे टीम का एक खिलाड़ी तो ऑलरेडी मेरे हाथों मारा जा चुका है। वो तो हमें पता ही था कि स्पाइडर वेनम तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा, पता था फिर भी भेजा। अबे तुम क्या दूसरे वेनम का बदला लोगे, तुम तो खुद उनके साथ गद्दारी कर रहे हो। इसे भेजने का हमारा मकसद कामयाब हो गया, इसने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया और हमें टाइम मिल गया अपनी पावर बढ़ाने का। बेटा जब मैं पेलूंगा ना, तो सारी पावर धरी की धरी रह जाएगी तुम्हारी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे अंदर तीन तीन वेनम की ताकत है। अच्छा ऐसी बात है, रुक। अबे यार गाइस कहाँ गायब हो गया, अभी तो यही पे था। भाई साहब ये रहा, इस बार नहीं छोड़ूंगा गाइस, जाते और इसको मजा चखाते। रुक तू। अबे यार गाइस यार वापस से कैसे गायब हो सकता है ये? गाइस यार अभी तो यही था, कहाँ चला गया? ओ भाई साहब यार पीछे से आया। गाइस यार एक तो इतनी खतरनाक तरीके से मार रहा है ना ये अपने को, और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। गाइस यार एक तो इसमें तीन तीन वेनम की ताकत है, अपन ने कॉन्फिडेंस में बोल तो दिया है, पर पता चला इसने अपने को यही पे ठोक दिया। ओ भाई साहब यार बच गए गाइस यार। अबे यार ये तो अपने पे कूदता जा रहा है, ट्रैम्पोलिन समझ के रखा है क्या? एक बार बस ये मेरे हाथ में आ जाना, फिर मैं इसको बताता हूँ। भाई इसको पता नहीं है शायद इसके भाइयों को कितनी बुरी तरीके से मारा था मैंने। ओ भाई साहब यार बच गए गाइस यार, पत्थर उठा के मारने वाला था। एक काम करते गाइस, इस पे वो कांटे वाली पावर यूज करके देखते, क्या पता कुछ हो जाए। गाइस यार एक पावर मेरे को बहुत ज्यादा पसंद थी और काम भी आई, क्या खतरनाक तरीके से मारा इसको। गाइस मुझे लगता है ये यहाँ पर निपट गया, हिल भी नहीं रहा है, जाके चेक करते वापस से पास में। हाँ मुझे लग रहा है गाइस सच्ची में निपट गया, इसको पकड़ के थोड़ा दूर लेके जाते, कंफर्म कर लेते अपने हमेशा की तरह। गाइस यार मुझे लग रहा है ना ये सच्ची में एकदम से क्लियर हो चुका है, तो ये काम करते अभी इसकी पावर अपने अंदर ले लेते, तो अपने अंदर भी चार चार वेनम की पावर हो जाएगी, क्योंकि तीन तो इसके अंदर है और एक अपन ऑलरेडी बन चुके हैं। गाइस यार इस बार तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर महसूस हो रही है। ओ भाई साहब यार ये क्या हो गया, गाइस अपन तो एकदम से लावा में बदल गए। गाइस यार इतनी ज्यादा पावर तो मेरे को आज तक कभी महसूस नहीं हुई है। इस बार तो गाइस वो तीसरा वेनम मेरे हाथ से नहीं बचने वाला, उसकी तो मैं एकदम से पुंगी बजा दूंगा। गाइस इसके लिए तो एक लाइक बनता है, तो जल्दी से लाइक कर दो, और जो लोग चैनल पे नए जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस यार अपन यहाँ से निकलते हैं और वो तीसरे वेनम को ढूंढ के उसे खत्म करते हैं। उसके बाद भाई वो भूतिया पार्टी वाले लोगों को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। गाइस यार अपने अंदर चार चार वेनम की ताकत है ना, इसलिए मुझे लग रहा है अपन इतने ज्यादा खतरनाक दिख रहे हैं। गाइस यार इतनी ज्यादा रोशनी आ रही है ना, मैं अपना शरीर बराबर नहीं देख पा रहा हूँ, खाली ग्लो ग्लो दिखाई दे रहा है सब जगह। आज भाई वो सब लोग मेरे हाथ से नहीं बचने वाले। गाइस मैं सोच रहा हूँ अगर इस वाले वेनम के पास इतनी ज्यादा पावर है, तो वो तीसरे वाले के पास कितनी ज्यादा खतरनाक पावर्स होगी, और वो इस टाइम पे कहाँ पर होगा, उसने अपनी कितनी ज्यादा पावर बढ़ा ली होगी। गाइस मुझे कुछ नहीं पता, बस कैसे भी करके वो अपने हाथ में आ जाए और अपन उसको खत्म कर दे। ओहो गाइस यार इतनी ज्यादा पुलिस एकदम लाइन में खड़ी है, ये तो भाई साहब फील्डिंग लगा के। गाइस ऐसा लग रहा है सदियों से लोग यहीं पे खड़े मेरे इंतजार में कि कब मैं आऊं और ये कब मुझे मार दे। पर गाइस शायद इनको पता नहीं है कि अपने पास कितनी ज्यादा खतरनाक पावर है, तो इनको नमूना दिखाने का टाइम आ चुका है। एक काम करते गाइस, सबको एक ही साथ निपटाने की कोशिश करते, ताकि अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और वो तीसरा वाला वेनम अपनी ज्यादा पावर ना बढ़ा सके। ओ भाई साहब यार गाइस सारी की सारी गाड़ियां हवा में उड़ने लग गई, वो भी एकदम लाइन सर। गाइस कितना खतरनाक सीन हो रहा है यहाँ पर। अभी एक काम करते, गाड़ी को सबको एक साथ नीचे फेंक देते, ताकि अपना काम एकदम आसानी से हो जाए। गाइस मैंने GTA में पहली बार पुलिस को इतने जल्दी हराया होगा। चलो गाइस यार पुलिस तो निपट चुकी है, तो अपन बढ़ते अपने तीसरे वेनम की तरफ। गाइस यार मेरे सेंस के हिसाब से वो वाला वेनम यही कहीं आसपास होना चाहिए था। गाइस यार ये रहा, ये तो एक गॉड वेनम है। गाइस यार खड़ा तो ऐसे जैसे अपना इंतजार कर रहा था कब से। चलिए इसको जाके मजा चखाते हैं। मुझे पता था तुम आओगे, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। क्यों मार खाने की इतनी खाई है क्या? वो तो बेटा वक्त ही बताएगा, तुम्हारी तो गर्दन उखाड़ के मैं अपने भाइयों की आत्माओं को समर्पित करूंगा। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए कौन क्या करेगा? अरे मूर्ख तुम हमारे जाल में फंस चुके हो, जरा पीछे मुड़ के देखो। अरे पेनीवाइज सिलेंडर मैन और सायरन हेड तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम लोग तुम्हारी मौत का तमाशा देखने आए हैं। फ्लैंकलिन तुम इस बार हमारे हाथ से नहीं बच पाओगे, तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। हाँ इस बार तो तुम हमारे हाथ से गए। पहले इसको निपटा लो, फिर तुम तीनों को बताता हूँ। इस बार तुम नहीं
नहीं बचने वाले, तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। रुको जरा, सबर करो, आता हूँ तुम्हारे पास भी इसको हराने के बाद। अबे यार कहाँ चला गया, अभी तो सामने खड़ा था। एक तो ये वेनम कहाँ गायब हो जाते भाई बार बार। ओ भाई साहब गाइस यार, ये रहा सामने से, इतनी बड़ी जंप मार के आया, इसको तो आज मैं नहीं छोड़ने वाला। गाइस ये एक गॉड वेनम है ना, इसलिए शायद अपने पे थोड़ा सा भारी पड़ रहा है, पर इसको शायद पता नहीं अपने अंदर चार चार वेनम की पावर है, तो ये तो आज अपने हाथ से गया। गाइस यार आप लोगों ने देखा क्या, कितनी खतरनाक पावर छोड़ी मैंने इस पे। गाइस इसको तो इतना मारूंगा ना आज, इसको जमीन के अंदर ही डाल देता हूं ताकि अगली बार निकल ना पाए। मुझे नहीं पता था गाइस अपने पास इतनी ज्यादा पावर होगी कि अपन एक गॉड वेनम को टक्कर दे पाएंगे। एकदम पावर चार्ज करके छोड़ता हूं इस पे। अरे यहाँ चूक गए गाइस, पर ये नहीं चूका, इसने बहुत गंदी तरीके से मारा अपने को, तो इसका तो बदला लूंगा गाइस मैं। कहां गया भाई अभी यही तो। अबे रुक जा यार, अबे यार तनिक रुक जाओ, थोड़ी सांस तो लेने दो। गाइस यार अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाला, कब से मारते जा रहा है भाई, सांस लेने का मौका नहीं दे रहा था। अब मेरे हाथ चढ़ गया ना, अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाला गाइस। इसको तो इतनी बुरी तरीके से मारूंगा ना, अगली बार मेरे शहर में आने की हिम्मत भी नहीं करेगा ये। अबे यार कहां चला गया। अबे यार गाइस बच गए, मुझे तो लगा था हाथ लग जाएंगे इसके। ओ भाई साहब यार कहां चला गया ये वापस से। गाइस यार ये तो कोपचे में लेके मारते जा रहा, भाई थोड़ा सा रहम कर ले। गाइस यार अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे और ज्यादा पावर मिल सके और इसको मैं एक ही बार में निपटा सकूं। तो गाइस अपनी पूरी जान लगा दूंगा इसको मारने में। अबे यार गाइस ये क्या हो रहा है, ये हिल क्यों नहीं रहा है, सच्ची में निपट गया क्या। गाइस यार ये तो यही पे मर गया भाई साहब। चलो गाइस यार गॉड वेनम का तो काम भारी हो चुका है, अभी टाइम आ गया इन तीनों की पुंगी बजाने का। इन तीनों ने तो नाक में दम करके रखा हुआ है, आज इनको नहीं छोड़ूंगा गाइस मैं। ये क्या हो गया गाइस यार, पेनीवाइज तो अपने को देख के ही मर गया क्या, और ये क्या कर रहा है सिलेंडर मैन, तो देख के सुसाइड कर रहा है। भाई अगर इतना ही डर लगता है तो तुम लोग मेरे से पंगा लेते ही क्यों। और इस लंबू को तो गाइस मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, ये भोपनी का ये ना सारे मुसीबत की जड़ है, इसको तो गाइस आज एकदम अच्छे से मजा चखाने वाला हूं। गाइस यार ये तीनों तो एक ही बार में निपट लिए, इतने आसानी से मर गए ना। ये रहा पेनीवाइज द क्लाउन, लाल पीला जादू कर करके नाक में दम करके रखा हुआ है, आज तो इसको नहीं छोड़ने वाला, आज इसका सारा लाल मैजिक मैं बाहर निकालता हूं। गाइस गाइस मुझे लगता है इन तीनों की तो पुंगी बच चुके हैं, तो अपन यहां से निकलते अभी। तो गाइस यार इस वाले वेनम को मिला के अभी अपना स्कोर हो गया 8, मतलब गाइस अपन ने अभी तक टोटल 8 वेनम मारे हैं। अले पेनीवाइज ये तुमने किसको बुला लिया। मैंने किसी को नहीं बुलाया, हमें बॉस ने यहाँ पर भेजा है वो काम करने जो तुमसे नहीं हो रहा। अत्ता इतनी बातें त्या। हाँ पर ये लोग हैं कौन। ये प्रीडेटर और गेट है, ये दोनों किसी जानलेवा मशीन से कम नहीं, इनके सामने जो भी आता है मारा जाता है। हमें बता दो के करना क्या है। तुम दोनों को शहर में तबाही मचानी है और उसी के साथ फ्रैंकलिन और शिनचैन को भी मारना है। कौन है वो दोनों जन। अले तिनतैन तो एक थोता था बत्ता है, और फ्रैंकलिन दुनिया का सबसे गंदा दिखने वाला काला इंसान। तुम लोगों से एक बच्चा नहीं संभल रहा। वो कोई मामूली बच्चा नहीं है, उसके साथ अवेंजर है जो हमेशा उसे बचा लेते हैं। तो फिर हमें अवेंजर को मारना चाहिए। एक बार बस ये दोनों जन निपट जाए, उसके बाद अवेंजर की आधी हार तो ऐसे ही हो जाएगी। हाँ अवेंजर से ज्यादा तो इन दोनों ने नाक में दम करके रखा है। ठीक है तो हम चलते हैं, शैतान अमर रहे। हाँ ठीक है जाओ जल्दी से। क्या बोला ये, ये तो पागल है, तुम दोनों जाओ। गाइस यार बहुत दिनों बाद हमारा मन हुआ तो हमने सोचा क्यों ना जॉगिंग कर ली जाए। अरे हमारा मत बोलो सिर्फ आपका बोलो आपका। हाँ हमें तो जबरदस्ती लाया गया है। अबे भागो बे चुपचाप, वैसे भी बहुत आलसी हो रखे हो। अरे मुझे जोरदार पोटी आई है। हाँ तो यही कहीं पे कोने कोपचे में कर लेना। नहीं नहीं मुझे तो घर ही जाना है, आपको याद नहीं है मोदी जी ने क्या कहा था स्वच्छ भारत अभियान। वाह बेटा घर पे जाके तो जैसे तू बाथरूम में जाके हगेगा, हगता तो खुले में ही है ना। अरे गाइस इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। भाई साहब अब ये क्या है। अरे ये तो कुतिया पार्टी है। अरे चौप तुम इनको जानते हो क्या। अरे ये नंबर के लुटेरे हैं, लुटेरे इनके इलाके से जो भी जाता है ये उनको लूट लेते हैं, और अगर उसके पास कुछ नहीं निकलता तो ये उनको काटते भी है। अरे फ्रैंकलिन भैया फिर तो आप गए, क्योंकि आपसे बड़ा भिखारी तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आओ आओ कुतिया पार्टी तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बस बस ये तो चौप है। अरे चौप कैसे हो। मैं तो ठीक हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, ज्यादा देर नहीं रह पाओगे। अगर अपने जान की सलामती चाहते हो तो सारा माल हमारे हवाले कर दो। अरे पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बस बॉस मुझे लगता है इसको काटना ही पड़ेगा। अरे छोटू बॉस प्लीज हमें मत काटना, आपको जो भी चाहिए हम कल लाके दे देंगे। हमें बेवकूफ समझाए क्या, तुम लोगों को तो आज 70 इंजेक्शन लगेंगे। अरे पर कुत्ते के काटने पर तो 14 ही लगते थे ना। बेटा वो एक कुत्ते के काटने पर, यहाँ पर 5-5 जन है। गाइस यार ये कहाँ पर फंस गए, मुझे लगता है ना लोग बिना काटे मानेंगे ही नहीं। अरे फ्रैंकलिन भैया कुछ करो ना। एक मिनट शिनचैन, अरे वो देखो कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आई। कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी, और वो भी यहाँ पे, यहाँ तो कभी नहीं आती। बॉस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे
हमें उल्लू बना रहे हैं। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। शिनचैन चॉप यही मौका है, भागो। रुक जाओ वहीं पे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस मैं इनको काट के रहूंगा। गाइस यार हम लोग आए तो जॉगिंग के लिए ही थे, पर मुझे नहीं पता था कि इतना तेज भागना पड़ेगा। अरे फ्रैंकलिन भैया वो तो हमारा पीछा कर रहे हैं। तो तेरे को क्या लगा था अपने को भागते देख वो वहाँ पर ताली बजाएंगे? अरे इसीलिए कहता हूँ कि गरीबी जानलेवा है। हाँ तो मुझे कौन सा पता था कि गरीबी में कुत्ते भी दौड़ाते हैं। अरे ये सिर्फ दौड़ाते नहीं काटते भी है, फटाफट भागो भागो भागो। तुमने गलती तो कर ही दी है, और अगर अभी तुम मेरे हाथ में आ गए तो मैं तुम्हें नोच खाऊंगा। अरे फ्रैंकलिन भैया मेरे तो पैर दुखने आ गए है। शिनचैन चॉप एक काम करो इस साइड आ जाओ। अरे वापस पीछे क्यों जा रहे हो? पीछे नहीं जा रहा मैं, कंटेनर के पीछे छुप रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। अरे अच्छा हुआ हम यहाँ पर छुप गए, वैसे भी उनसे तेज नहीं भाग पाते। देखा कितना जल्दी थक गए तुम दोनों, इसलिए बोलता हूँ कि जॉगिंग किया करो। अरे आप तो मुंह बंद ही रखो, आपकी बात मानी इसलिए आज ऐसा हो रहा है। अब थोड़ी देर के लिए ना तुम दोनों अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो उनको पता चल जाएगा कि अपन कहाँ पर है। अरे कहाँ पर गायब हो गए, अभी तो यही पर थे। मेरे हाथ लग गए तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अरे निकम्मो जल्दी से आओ। बस मुझे लगता है वो भाग गए, मुझे उनको काटना था। शिनचैन आराम से आ, लोग यहीं पे है। अरे क्या बात कर रहे हो फ्रैंकलिन भैया, तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो बस। अरे यार आज का तो दिन ही खराब है, सुबह से कुछ नहीं खाया और ये लोग भी हाथ से निकल गए। छोड़ो बॉस किसी और को ढूंढते हैं। और तो कर ही क्या सकते है, चलो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ठीक है बॉस। चलो भाई साहब बला टली। अरे फ्रैंकलिन भैया वो लोग गए ना? गए तो है शिनचैन, पर थोड़ा फटाफट चल नहीं तो वापस भी आ सकते है। हाँ हाँ सही बोल रहे हो। एक मिनट यार ये फोन किसका आ रहा है? ये तो टोनी का फोन है। हेलो फ्रैंकलिन मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ बोलो सुन रहा हूँ। शिनचैन को लेके अभी कभी मेरे घर पे आ जाओ। क्यों ऐसा क्या हो गया? मैंने उसके लिए कोई स्पेशल चीज तैयार की है। ऐसा भी क्या है जरा मुझे भी तो बताओ, वो तुम खुद ही आके देख लेना। अब जल्दी से आ जाओ। अच्छा ठीक है आता हूँ। शिनचैन चौप आ जाओ फटाफट। तो गाइस ये रही हमारी गाड़ी जो हमने यहाँ पर पार्क की थी, तो भाई जल्दी से जाके बैठते हैं गाड़ी के अंदर। अरे रुको रुको हम भी आ रहे हैं। हाँ मेरे लिए भी रुको, अब जल्दी से घर पे चलो। शिनचैन हम घर पे नहीं जा रहे हैं, हम टोनी के घर पे जा रहे हैं। अरे पर वहाँ क्यों जा रहे हो? टोनी ने तुझे लेके वहाँ पे बुलाया, पता नहीं कुछ तो देना चाहता है तुझे। अरे क्या बात कर रहे हो। अच्छा चौप वैसे एक बात बता, तू कुत्ता होके भी कुत्तों से डरता है? अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं एक अच्छा कुत्ता होके बुरे कुत्तों से डरता हूँ। कब खून खोलेगा रे तेरा। अरे भाई इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। गाइस यार मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि नए लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है, तो गाइस यार जल्दी से करो, लाउड डूड फैमिली का हिस्सा बन जाओ। अरे आप जल्दी से गाड़ी चलाओ ना, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। पता नहीं टोनी तेरे पे इतना मेहरबान क्यों रहता है, मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं बनाया। अरे आप उसके लायक भी नहीं हो, मुंह बनकर अपना कुछ भी बोलता है। अरे मैं इतना भी कुछ खास नहीं। तारीफ नहीं हो रही तेरी। अरे मैं तो बोलता हूँ धीरे धीरे चलाओ, वैसे अभी अभी मौत के मुंह से बाहर आए हैं। तो गाइस यार हम लोग पहुंच चुके हैं। अरे जल्दी जल्दी से उतरो ना। तो भी फटाफट से अंदर चलते हैं। भाई साहब ये क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने हॉल के अंदर ही लैब खोल ली है। पर ये सब है क्या? अरे हल्क तुमको पता है क्या? हल्क को नहीं पता, हल्क को कोई कुछ नहीं बताता। अरे हल्क ये तो बहुत ही बुरी बात है। वांडा तुमको पता है क्या? अरे नहीं मुझे भी कुछ नहीं पता। विजन तुमको? अरे मने पर नती खबर। अबे यार कोई बताएगा यहाँ पर चल क्या रहा है? और मुझे लगता है इसका काम पूरा हो चुका है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अबे यार और ये कौन चिल्ला रहा है? अरे ये तो फ्रैंकलिन और शिनचैन है। चलो तुम दोनों ने देखा तो सही। अरे आओ आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अरे अभी जल्दी से बताओ तुम मुझे क्या देने वाले हो? अरे हमने तुम्हारे लिए एक सिरप तैयार किया है। सिरप? कौन सा सिरप? ये कोई मामूली सिरप नहीं है, इसे पीते ही इंसान के बॉडी के सेल विकसित होने लगते है और वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। अरे फिर तो मुझे भी पीना है। सॉरी चॉप, पर जानवरों पे इसका कोई असर नहीं होता। अरे यार हाँ तो फिर मैं तो पी सकता हूँ ना? नहीं तुम भी नहीं पी सकते। पर क्यों, मैं थोड़ी ना जानवर हूँ। अरे ऐसा तो आपको लगता है ना। और तुम समझे नहीं, छोटे बच्चों के सेल बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं दूसरों के मुकाबले, तो शिनचैन पर इसका असर सबसे जल्दी होगा। देखा बच्चे होने के कितने फायदे है। शिनचैन ये सब छोड़ो और जल्दी से जाके वो सिरप पी लो। अच्छा ठीक है पीता हूँ। गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये सिरप पीऊँ तो जल्दी से लाइक कर दो। शिनचैन जल्दी पियो। अरे ये तो बहुत ही कड़वी है। हाँ ये थोड़ी कड़वी ही होती है। अरे पर इसको पीने के बाद मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे ये इतना जल्दी काम नहीं करता, इसे एक्टिव होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा ऐसी बात है क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुनो तुम दोनों। मुझे पता चला है कि शहर में प्रीडेटर और गेट नाम के कोई तो मॉन्स्टर घुसाए हैं और तुम दोनों को उनको जाके रोकना पड़ेगा। अरे अब ये कौन है? मुझको लगता है भूतिया पार्टी वालों ने भेजा है उनको। तुम दोनों अभी का भी निकलो, इसी बहाने तुम्हें सिरप की पावर का भी पता चल जाएगा। अरे पर मैं उन दोनों को अकेले कैसे हराऊंगा? और अगर ये सिरप की पावर सही टाइम पे एक्टिव नहीं हुई तो? हाँ तो फ्रैंकलिन है ना तुम्हारा साथ देने के लिए। अरे पर मैं तो क्या ही कर लूंगा, मैंने थोड़ी ना सिरप पिया है। उसकी टेंशन तुम मत लो, तुम मेरा सूट इस्तेमाल कर लेना, बस थोड़ी सी रिपेयरिंग का काम बाकी है उसमें। तो फिर कैसे इस्तेमाल करूंगा? तुम वहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे एक मिस कॉल कर देना, सूट अपने आप तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। अच्छा ऐसी बात है तो फिर हम लोग निकलते हैं। आ जाओ शिनचैन और चॉप। अरे हाँ हम बस आ ही रहे हैं। अबे ऐसे क्या देख रहे हो दोनों जन, जल्दी से बैठोगे भी? हाँ बैठ गए। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं उन दोनों मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए। अरे मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ये अवेंजर क्यों नहीं जाते उन मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए? अरे चॉप सिंपल है, अवेंजर के पास बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं जिनको उनको हराना रहता है, और जिनके पास वो नहीं पहुंच जाते वो अपने को भेजते हैं। अच्छा ऐसी बात है।
सकते हो। अरे फ्रैंकलिन भैया एक बात तो बताओ, उस मॉन्स्टर का नाम गेट कैसे पड़ा? अब वो तो मुझे कैसे पता होगा। अरे मुझे तो लगता है ना वो पहले गेटकीपर होगा। अब पता नहीं, वो तो जाके देखेंगे तभी पता चलेगा। तो गाइस क्या आप लोगों को पता है कि प्रीडेटर और द गेट है क्या चीज? अगर आप लोगों को पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। अरे ये टोनी भैया ने तो यही का लोकेशन दिया था। हाँ तो मुझे लगता है ना वो यही कहीं आसपास होने चाहिए। अरे ये क्या हो गया हमारी गाड़ी के सामने? भाई साहब अब ये क्या बला है, जल्दी से उतर के देखते गाइस। अरे ये तो यहाँ पे योगा कर रहा है। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अरे पर तुम हो कौन? अरे ये तो वही है। वो सब तो ठीक है, पर ये रोड के बीच में बैठ के योगा क्यों कर रहा है? मैं योगा नहीं प्रार्थना कर रहा हूँ। अरे कैसी प्रार्थना? तुम्हारे मौत की प्रार्थना। अरे ये क्या बोल रहा है? गाइस यार इसके तो हाथ और पाँव में बिजली चमकने लगी। मैंने अपनी पावर बढ़ा ली है, अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। गाइस यार मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। शिनचैन चोप जल्दी से आओ गाड़ी में बैठो। ये तुम क्या कर रहे हो, बचोगे नहीं मेरे हाथ से। गाइस यार बड़ा ही खौफनाक जानवर था ये तो। अरे फ्रैंकलिन भैया ये तो अभी भी पीछा कर रहा है। अरे यार नसीब ही खराब है, आज हर कोई अपने को भगा ही रहा है। अबे यार अब ये क्या झंझट है, फ्रैंकलिन भैया जोर जोर से भगाओ। अबे जोर जोर से नहीं जल्दी जल्दी होता है। अरे मेरे डर के मारे कुछ भी निकल रहा है। गाइस यार एक काम करते फटाफट से इस साइड चले जाते हैं। अरे आप इस साइड जाओ के उस साइड, वो तो आपका पीछा करेगा ही करेगा। देख अभी भी है क्या पीछे? अरे ये तो यहाँ पर पहुँच गया। गाइस यार ये क्या हो रहा है, इसने तो अपनी गाड़ी उठा के फेंक दी। अरे आपको किसने कहा था इसको गाड़ी से उड़ाने को, देखो अभी और भड़क गया। गाइस यार मुझे लग रहा है ये तो अपनी गाड़ी यही पे फोड़ देगा। अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अबे यार थमजा मार के मानेगा क्या? गाइस यार फटाफट से भागते यहाँ से। अबे यार ये क्या कर रहा है? अरे फ्रैंकलिन भैया भगाओ भगाओ। बच जाओ भाई यार आज बचा ले बस। फ्रैंकलिन भैया जल्दी से कूदो ये यहाँ पर पहुँच गया है। अरे भाई साहब रुक जा। क्या हुआ मुझसे भाग रहे थे? माफ कर दे भाई गलती हो गई। माफी नहीं मौत मिलेगी मौत। अरे कुछ ले दे के मामला निपटा दो ना। ठीक है या तो अपनी जान दो या तो मैं ले लूंगा। अरे ये कैसा सौदा हुआ? शिनचैन मुझे लगता ना तूने जो सिरप पिया था ना वो अभी तक तो एक्टिव हो गया होगा। हाँ मुझे भी कुछ ना कुछ तो महसूस हो रहा है अंदर से। अरे शिनचैन प्लीज बचा ले। आप दोनों एक काम करो यहाँ से जाओ और वो दूसरे वाले मॉन्स्टर को देखो, मैं इसको निपटाता हूँ। अच्छा ठीक है चल चौप आ जा जल्दी जल्दी। गाइस यही वाली गाड़ी ले लेते, पता नहीं किसकी है। फ्रैंकलिन भैया चलो जल्दी जल्दी। बस यार शिनचैन सब संभाल ले वहाँ पर। अरे गेट सुनो ना। हाँ बोल। देखो अभी कैसे तुम्हारे मौत का गेट खुलता है। बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। अरे मैं इतना भी कुछ खास नहीं। तेरी तारीफ नहीं हो रही है। अरे तुम पिटने के लिए तैयार हो जाओ। बच्चे तू क्या मुझे हराएगा? अरे मैं तो आराम से हरा लूंगा। तू तो गया मेरे हाथ से। अरे ये तो फिर से काला साया बन गया, फटाफट से भागता हूँ यहाँ से। अरे ये क्या कर रहा है, अभी तो ये मुझे जला ही देता, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये ले ये भी ले। बच्चे तू तो मेरे हाथ से गया। अरे पहले मुझे पकड़ के दिखाओ। ये क्या पकड़म पकड़ाई खेल रहा है? अरे ये क्या हो गया, इसने तो मुझे बवंडर में फंसा लिया। अरे मुझे तो चक्कर आने लग गए है, अभी इसका बवंडर तोड़ता हूँ। ये ले तेरी तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। अरे अरे तुम्हें भी मेरी पावर का अंदाजा नहीं है, मुझसे पंगा लेने वाले आज तक नहीं बचे। हाँ पर तू आज नहीं बचेगा। अरे कब से क्या रिपीट टेलीकास्ट में वही डायलॉग मारे जा रहे हो? हाँ तो ये ले। अरे इससे मेरा कुछ नहीं होगा, ये लो। अरे गाइस ये क्या कर रहा है, इसने तो मुझे अंदर खींच लिया। पर कोई बात नहीं मैं तो बाहर आ जाऊंगा। अरे भागता कहाँ पर है, रुक जा। अरे अरे ये क्या हो गया, ये वाला पंच तो इसने बहुत जोर से मारा। आज तेरा आखिरी दिन है बच्चे। अच्छा ऐसी बात है क्या, ये लो थोड़ी देर ट्रेन पे घुमाओ। अरे गाइस ये क्या हो गया, ट्रेन ही अलग हो गई। एक काम करता हूँ ट्रेन का डब्बा उठा के मारता हूँ इसको, कहाँ पर गया जरा कूद के देखता हूँ। ये ले। अरे कहाँ पर भाग गया, अभी तो यही पे था, लगता है मुझसे डर गया है और भाग गया। मैं किसी से नहीं डरता, ये ले। अच्छा तो एक काम करो ये लो। अरे गाइस ये क्या हो गया, इसने तो मुझे उठा के फेंक दिया। अरे यार इसने तो वापस से बवंडर बना लिया, कितना घुमाएगा बे। ये ले तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। अरे तेरा तो मैं सब कुछ उखाड़ लूंगा। गाइस यार इसके अंदर तो सच्ची में बहुत पावर है, पर कोई बात नहीं आपका शिनचैन नोहारा इसको संभाल लेगा। अभी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। ये ले ये भी ले, तू तो आज बचेगा नहीं मेरे हाथ से, तुझे तो मैं मार मार के जमीन के अंदर डाल दूंगा। ये ले। अरे गाइस मुझे लगता है ये तो निपट गया। अरे अभी इसका क्या करूं, एक काम करता हूं उसको फ्रैंकलिन भैया के पास लेके जाता हूं। गाइस यार वो रहा प्रीडेटर। अरे फ्रैंकलिन वो तो तबाही मचाते जा रहा है। चौप अपने को इसको रोकना ही पड़ेगा, तू एक काम कर गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे, मैं जाके इसको देखता हूं। तो गाइस टाइम आ चुका है इसको मजा चकाने का। तुम बच गए, मुझे तो लगा था गेट ने तुम्हें मार दिया होगा। बेटा मरेगा तो वो और तू भी, ये तुम्हारी गलत फहमी है। गाइस यार जल्दी से टोनी को मिस कॉल करता हूं ताकि फटाफट से सूट अपने पास आ जाए। क्या हुआ, एम्बुलेंस बुला रहे हो? एम्बुलेंस तो तेरे को बुलवानी पड़ेगी, तू बस एक मिनट रुक जा। गाइस यार सूट कहाँ पर रह गया? गाइस वो आ रहा है अपना सूट। भाई साहब जल्दी जल्दी आ जा। गाइस अभी आयरन मैन का सूट अपने पास है, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आयरन मैन का सूट पहन के इसको मार दूं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अभी फटाफट से पहन लेते हैं। रुक तेरे को तो अभी मजा चकाता हूँ। गाइस यार कितने स्पीड में आया ये। अबे यार आके उठा के फेंक दिया। अभी तो बस देखते जा आगे आगे क्या होता है। अबे ये ले, बड़ी बड़ी बातें करता है। अबे यार गाइस ये क्या हो गया, इसको तो अभी बताता हूँ मैं। ये ले ये भी ले, अभी बताता हूँ इसको। इसका प्री और डेटर अलग अलग नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम भी जान दो। गाइस नाम बाद में बताता हूँ। तुझे क्या लगता है तू ये सूट पहन के मुझे मार देगा, तो ये तेरी गलत फहमी है। ठीक है भैया आजमा ले। गाइस यार क्या मारा है ना मैंने इसको, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। अरे अरे वापस आ रहा है, ये ले।
अबे यार बार बार बचे, बार बार बचा ज्यादा देर नहीं बचेगा। ये ले सुपरमैन पंच। अबे यार ये तो उड़ा ही नहीं। गाइस यार ये तो गायब भी हो जाता है। गायब भी होता और तुझे दुनिया से गायब भी कर दूंगा। बेटा ये आयरन मैन का सूट है, तेरे जैसे हजारों को पहले पहल चुका हूँ। ये ले। हाँ गाइस क्या मजा आ रहा है इसको मारने में। अब ये ले मार खाने का मजा ले। अबे रुक भागता का है। अरे अरे मजाक कर रहा था भाई। क्या उठा के फेंका है गाइस इसने अपने को। पर कोई बात नहीं गाइस ये गया पहला छक्का। ओ भाई साहब क्या गजब ऊपर गया है। इसको पता नहीं गाइस अपन कितने प्रो है। कब तक बचेगा मेरे हाथ से ठाकुर। मैं कोई ठाकुर वाकुर नहीं हूँ, मेरा नाम प्रीडेटर है। हाँ चल मालूम है, बाप को मत सिखा। गाइस मुझे लगता है ना मैं आजकल मीम पेज बहुत ज्यादा ही फॉलो करने लग गया हूँ। रुक जा अभी बताता हूँ तुझे। ऐसी बात है तो ये ले। क्या निशाना लगाए गाइस, इसको तो अभी सेकता हूँ यही पे मैं। अबे अबे क्या कर रहा है। ये ले ये भी ले। तू तो गया मेरे हाथ से। क्या पंच पड़ रहे गाइस इसको, क्या पंच पड़ रहे। ये भी सोच रहा होगा बहुत गलत पंगा ले लिया। इसको तो आज मैं काट डालूंगा मेरे ब्लेड से। ये ले। अरे 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 बच गया यार, बस ज्यादा देर नहीं बचेगा गाइस। ये एक चीज तो मान गया गाइस, आयरन मैन का सूट है बहुत ही ज्यादा कमाल का, पर यार कब से मार रहा हूँ अभी तक मर ही नहीं रहा ये। गाइस यार क्या पावर है, आप देख रहे हो क्या। ये क्या कर रहा है तू, छोड़ दे मुझे। अबे अबे रुक जा। अबे यार फिर से भाग गया भगोड़ा। नहीं तो ये रहा गाइस, इसको क्या लगता गायब हो जाएगा तो बच जाएगा। ये इसकी गलतफहमी है, अभी दूर करता हूँ मैं। गाइस पूरा दम लगा देते हैं, मैं इससे थक गया उसको मार मार के। ये ले, इसको तो मैं जला जला के काला कर दूंगा। ये ले गाइस, मुझे लगता ना ये निपट चुका है। ये तो मर गया गाइस, पर मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत मुश्किल से मरा भाई साहब। अरे फ्रैंकलिन भैया की लोकेशन यही कहीं से आ रही थी, जल्दी से जाके देखता हूँ वो यही कहीं आसपास होंगे। क्या पता अभी तक फ्रैंकलिन भैया ने उसको हराया होगा भी या नहीं। एक तो ये बुलडोजर बहुत ही ज्यादा स्लो चलता है। अरे वो खड़े फ्रैंकलिन भैया, अभी जल्दी से जाता हूँ उनके पास। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं आ गया। भाई साहब शिनशान ये क्या कर रहा है तू, और ये बुलडोजर कहाँ से लेके आ गया। अरे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं इसका क्या करूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके पास लेके आ जाऊँ। और मैं इसका क्या करूंगा। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, इन दोनों को अवेंजर के पास लेके जाते हैं। हाँ ये कर सकते हैं अपन। वैसे आपको कोई मुसीबत तो नहीं हुई ना। नहीं रे, मेरे पास आयरन मैन का सूट था ना, मजा ही आ गया इसको मार के। अरे मैंने तो इसकी हालत खराब कर दी थी। चल कोई नहीं, चल अभी चलते हैं। अरे चौप कहाँ पर है। चौप तो यार गाड़ी में ही छूट गया। कोई नहीं चलना अवेंजर के पास जाते हैं, फिर उसको लेके आ जाएंगे, मेरे को पता है वो कहाँ पर है। अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है चलो चलो। तो गाइस चलते हैं यहाँ से फटाफट। अरे लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ये दोनों लाशों को कहाँ पर लेके जा रहे हैं। अबे कोई कुछ नहीं बोलेगा, उल्टा इनको देख के तो ऐसा लग रहा है कोई जंगली जानवर मार दिया अपन ने। अरे जंगली जानवर भी इनसे खूबसूरत होते हैं। हाँ वो बात तो है। अरे ये कौन आ गया बीच में। अबे ये तो पेनीवाइज है, अभी उतर के बताता हूँ इसको। कहाँ पर जा रहे हो, तुझे उससे कुछ मतलब। मतलब तो होगा ही ना, तुम मेरे साथियों को लेके जा रहे हो। अरे अब ये तुम्हारे किसी काम के नहीं है। इनको तो मैं जिंदा कर लूंगा, मुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। गाइस यार ये तो गायब हो गया। अरे फ्रैंकलिन भैया दो लाशें भी गायब हो गई। अबे यार ये तो दोनों को लेके चला गया। अरे छोड़ो ना, वैसे भी वो दोनों उसके कुछ काम नहीं आएंगे। नहीं शिनशान कुछ तो काम आएंगे, तभी वो लेके गया है। अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है चल छोड़ अपन जाते हैं यहाँ से। आजा बैठ जा गाड़ी में। अच्छा ठीक है फ्रैंकलिन भैया। अबे यार ये बुलडोजर कहाँ से उठा के लाया तू, इतना ज्यादा स्लो चलता है। अरे मुझे वहाँ पर यही मिला था। चलो यार गाइस फाइनली हम अवेंजर मेंशन पे पहुँच चुके हैं। और वाह फ्रैंकलिन और शिनशान तुमने तो कमाल ही कर दिया। अबे ये कमाल करने में हालत खराब हो गई। अरे वक्त की बात है, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। तो गाइस यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।